अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर केराल। तव्हां जा ठीक आयो, खैर खैरियत सां आयो। वी आर बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग 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 वीकेंड। ऐं इहो लॉन्ग वीकेंड माशाल्लाह माशाल्लाह सां तमामु सुठो गुज़रियो, ऐं मूंखे उमेद आहे त तव्हां सभिनीनि जी ईद तमामु सुठी गुज़री हूंदी। ऐं ईद खां पोइ जेको आहे असां एतिरनि सारनि मोकिलुनि खां पोइ अॼु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थिया आहियूं, लाइव अची रहिया आहियूं। ऐं माशाल्लाह सां रमज़ान जो पूरो महीनो तव्हां सां गॾु हुयासीं, ई ट्रांसमिशन तव्हां इंजॉय कई हूंदी, ऐं महरीन जा मज़े मज़े जा खाधा जेके हुन सेखारिया उहे मूंखे उमेद आहे त तव्हां ट्राए कयूं हूंदियूं रेसिपीज़। ऐं बसि तव्हां सां हिकिड़ी शिकायत इहा आहे त पूरो रमज़ान असां तव्हां सां गॾु हुयासीं पर तव्हां सभिनीनि मां कंहिं कॉल न कई असांखे। मां सम्झी सघां थी हर कोई बिज़ी हुयो, पर तॾहिं बि ॿ मिंट ई कढी वठो हा, असांखे कॉल करे वठो हा। पर तव्हां सभिनीनि खे हाणे ईद त ख़ैर बासी थी वई आहे, पर तॾहिं बि मुंहिंजी पूरी टीम जी तरफ़ां तव्हां सभिनीनि खे ईद जी तमामु घणियूं वाधायूं हुजनि। ऐं उन सां गॾु गॾु हिते इहा अपील ज़रूरु करणु चाहींदसि त असांजी सिंध जी आपा, असांजी सिंध जी अमड़, असांजी प्यारी लेजेंड आर्टिस्ट आपा शबीरा चन्ना, जो तव्हांखे ख़बर आहे त एक्सीडेंट थियो आहे ईद जे ॿिए ॾींहुं, ऐं उन्हनि जी हालत हींअर कुझु सुधार आहे। पर तव्हां सभिनीनि खे इहा गुज़ारिश करणु चाहींदसि त असांजी सिंध जी आपा जे लाइ दुआऊं कयो त हू जल्दी सां सिहतयाब थी वञनि ऐं वापसि असांजे विच में अची वञनि। ऐं नादिया जे लाइ बि तव्हां उन्हनि जे लाइ दुआ कयो त नादिया बि बिल्कुलु ठीकु थी वञनि। ऐं कल्ह मां उन्हनि खे विज़िट कयो हुयो, ऐं माशाल्लाह नादिया जेको आहे ॾाढी बहादुर छोकिरी आहे, ऐं मुंहिंजूं दुआऊं नादिया तव्हां सां गॾु आहिनि। अलाह साईं तव्हांखे, तव्हांजी वालदा खे सिहत हयाती वारी ज़िंदगी अता कंदो। सॼी सिंध जी छा सॼे पाकिस्तान जी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि। बसि तव्हां यकीन कयो, मां यकीन न पई करे सघां त कोई कंहिं सां एतिरी मुहबत करे सघे थो। चवंदा आहिनि हिकिड़ो रत जो रिश्तो हूंदो आहे, पर रत जे रिश्ते खां अलावा बि हिकिड़ो रिश्तो हूंदो आहे, उहो अहसास जो रिश्तो हूंदो आहे। ऐं उहो अहसास जो रिश्तो मां कल्ह ॾिठो आहे अखियुनि सां, हिकिड़ी आर्टिस्ट सां। कोई अगरि कंहिंजो फेवरेट आर्टिस्ट आहे, फनकार आहे, उन सां जेको हिकिड़ो अहसास थिए थो, हिकिड़ी मोहबत थिए थी, उन जी ॻाल्हि ई पंहिंजी थी थिए। जेका मां रश कल्ह ॾिठी हॉस्पिटल में अखियुनि सां, उहे औरतूं, उहे भाइर, उहे ॿार मां ॾिठा जंहिंजो न को ॾियण आपा सां, न को वठण आपा सां, न को रत जो रिश्तो, सिर्फ़ अहसास जो रिश्तो, सिर्फ़ मोहबत जो रिश्तो। आपा पंहिंजी ज़िंदगी सॼी मीडिया खे ॾेई छॾी जॾहिं खां उहा ॼाई आहे। हुननि पंहिंजी सॼी जवानी जेको आहे मीडिया खे ॾिनी, उन्हनि जे ॿारनि मीडिया में अख खोली, ऐं माशाल्लाह सां बहितरीन आर्टिस्ट आहिनि। अॼु मां इहो फ़ख्र सां चई सघां थी त असांजी आपा जहिड़ी न आर्टिस्ट का हुई, न का आहे, न का ॼमंदी, न ई वरी हुननि जी नियाणियुनि जहिड़ी का आर्टिस्ट पैदा थी सघे थी। छो त हुननि जी आर्टिस्ट जेके धीअरियूं आहिनि, उन्हनि में न अॼु ॾींहं ताईं मां का वॾाई ॾिठी आहे, न मां आपा में कॾहिं का वॾाई ॾिठी आहे। न त आर्टिस्टनि में वॾाई हूंदी आहे, ऐं इहो तकबुर अलाह खे पसंदि कोन्हे को, पर हिननि में तकबुर कोन्हे, हिननि में मोहबत ॾिठी आहे, अहसास ॾिठो आहे। ऐं बसि मां इहा ई दुआ कंदसि ऐं तव्हांखे बि अपील कंदसि त आपा जे लाइ ऐं नादिया जे लाइ इलाही इलाही दुआऊं कयो त हू वरी असांखे जॉइन कनि, इनशाला इनशाला। ऐं उन खां अलावा त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु 1 मे आहे। 1 मे जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त मज़दूरनि जो आलमी ॾिहाड़ो हूंदो आहे, पर वीचारा मज़दूर जेके आहिनि अॼु ॾींहं बि मज़दूरी करे रहिया आहिनि, ऐं जेके वॾा वॾा अफ़सरान जेके आहिनि उहे मज़े सां सुम्ही रहिया आहिनि। त छाजो मज़दूर डे, ऐं हिनखे मज़दूर डे छो थो चयो वञे? अॼु जेके असां वटि हिते हिकिड़ो भाउ ऐं जेके मुंहिंजूं भेनरूं हिते मौजूदु आहिनि, इहे बि मज़दूर आहिनि। मां बि मज़दूर आहियां, मां बि मज़दूरी करे रही आहियां, बिल्कुलु असां सभु मज़दूर आहियूं, बिल्कुलु आहियूं। ऐं हिन में फ़ख्रु महसूसु कयूं था, अलहमदिल्ला असां मज़दूरी कयूं था। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं मज़दूरनि खे हुकूक़ ॾिना वञनि ऐं उन्हनि खे उन ॾींहुं मोकल ॾिनी वञे, त वाकई असांखे महसूसु थिए त हा, अॼु 1 मे लेबर डे आहे। ऐं जॾहिं उन्हनि खे उहे हुकूक़ नथा ॾिना वञनि त पोइ छाजो लेबर डे आहे? तव्हांखे ख़बर आहे त 1964 में फर्स्ट टाइम जॾहिं इहो एक्ट शिकागो में खयो वियो हुयो, ऐं उन टाइम मज़दूरनि जे हवाले सां
गाल बोल थी रही हुई उनते एमिटमेंट जका थी वो 1986 शिकागो अमेरिका में थी त उन टाइम मजदूरन जका नॉन स्टॉप 8 कलाक जका एकड़ी हड़ताल कई हुई त भाई असा भी इंसान आयो असा खे भी थोड़ी मोकल दिनी बने असा जा भी कुछ राइट्स आहन उन का पोए यो ट्रेंड सारी दुनिया में स्टार्ट थियो 1986 का वठी 2023 थी वयो आहे त हलो अमेरिका जी त ॻाल्हि ई नथा कयूं न असां पंहिंजे पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदासीं असांजो पाकिस्तान बि ॾाढो ख़ूबसूरत आहे कंहिं खां घटि कोन्हे को पर ॻाल्हि इहा आहे त असांजे पंहिंजे पाकिस्तान में मज़दूरनि खे छा उहो हक़ु ॾिनो वञे थो उन्हनि जी परेशाननि खे उन्हनि जी तकलीफ़ुनि खे सम्झो वञे थो छा हिननि जो हक़ु न आहे त डेली वेजिस ते जेके कमाइनि था हिननि खे जेके वर्किंग आवर्स जेके हिननि जा आहिनि जेके फर्स्ट अपॉइंट कयो वेंदो आहे हिननि खे हिननि खे ॿुधायो वेंदो आहे त ही तव्हांजा डेली आर्स आहिनि डेली तव्हांजा आर्स हेतिरा आहिनि ऐं तव्हांखे हिननि आर्स जे हिसाब सां तव्हांखे सैलरीज़ मिलंदियूं या तव्हांखे डेली वेजिस मिलंदा त छा उन्हनि खे उहो हक़ु मिली रहियो आहे ऐं डेली आर्स में उहे केतिरा कलाक आहिनि जेके हू कमु करे रहिया आहिनि या ओवर टाइम करे रहिया आहिनि ठीकु आहे कंहिंजी का मजबूरी आहे जेकॾहिं कोई ओवर टाइम करे बि थो त छा हुनखे उहो ओवर टाइम जो हक़ु मिले थो मुंहिंजे ख़्याल सां त हुनखे ओवर टाइम जो हक़ु नथो मिले पियो मुंहिंजे ख़्याल सां त जेको हुनजो ॾींहं जो हिकिड़ो फिक्स कयो वियो आहे त तव्हांजे पूरे ॾींहं जा हेतिरा पैसा ठहनि था तव्हांखे ओवर टाइम बि उन में ही करिणो आहे छा जेके घरनि में मासियूं कमु कनि थियूं छा इहे मज़दूर कोन आहिनि छा इन्हनि खे इन्हनि जो हक़ु ॾिनो वञे थो छा उन्हनि जे ॿारनि खे उहो हक़ु ॾिनो वञे थो त तव्हांखे जेकॾहिं अलाह साईं एतिरी सलाहियत ॾिनी आहे एतिरो मर्तबो अलाह साईं जेकॾहिं तव्हांखे ॾिनो आहे त तव्हां पंहिंजे घर में हिकिड़ी मेड जॾहिं रखी सघो था अफोर्ड करे सघो था त तव्हांजे मथां इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नथी थिए त ख़ुदा न ख़ासि उनजो ॿारु जेकॾहिं सुभाणे बीमार थिए थो त उनजी दवा दारू जो तव्हां कुझु करे सघो उनखे लटा कपिड़ा जेके तव्हां ॾियो था त तव्हां इहो न चओ त हीअ मूंखे नथा खपनि हीअ मुंहिंजा कपिड़ा पुराणा थी विया आहिनि हीअ मुंहिंजा कपिड़ा फाटी पिया आहिनि हीअ तूं खणु हे तुंहिंजी धीउ खे आया छा असां हिकिड़ो पंहिंजी पघार मां को हिकिड़ो सुठो जोड़ो वठी करे उन मासी खे नथा ॾेई सघूं छा सिर्फ़ु असां ईदुनि ते ऐं रमज़ान ते जेका ज़कात कढूं था सिर्फ़ु उन्हनि ॾींहनि ते ई असां उन्हनि खे ॾेई सघूं था उन खां अलावा उन्हनि जो को असां ते हक़ु कोन्हे ऐं जेका मानी असांजे घर में पचे थी असांखे नथी वणे असां नथा खाऊं ॿिनि टिनि ॾींहनि जी जमा करे असां जेका उन्हनि खे ॾियूं था छा हू इहो डिज़र्व कनि था छा हिकिड़ो कूली जेको बोझ थो खणे पियो सभिनीनि जा असां एॾा वॾा वॾा बैग्स खणी करे जेको ट्रेन में सफ़र था कयूं पिया ऐं उन खां पोइ जॾहिं असां कूली खे आवाज़ था हणूं पिया त छा असां ॿिनि टिनि कूलियुनि खे नथा जेको आहे उते सॾे सघूं त असां ॿिनि टिनि कूलियुनि खे चऊं त भई सामान तव्हां डिस्ट्रीब्यूट कयो ऐं तव्हांखे तव्हांजे हिसाब सां तव्हांजी मज़दूरी ॾिनी वेंदी छो असां सिर्फ़ु हिकिड़ो कूली पकड़ींदा आहियूं ऐं उन ते एतिरो बोझ विझंदा आहियूं त हू वीचारो बोझ खणी बि न सघंदो आहे उन्हनि खे ॾिसी तकलीफ़ थींदी आहे कॾहिं कॾहिं कोई पोढ़ो वीचारो ज़ईफ़ कूली नज़र ईंदो आहे उन ते एतिरो बोझ हूंदो आहे जो हुनजी पुठी बि हुनजी टुटंदी आहे पर हू तॾहिं बि बोझ खणंदो आहे त सिर्फ़ु मूंखे उहा ॾिहाड़ी मिले जो मां पंहिंजे घर वञी करे पंहिंजे बच्चनि जी दाल मानी जो इंतज़ाम कयां हीअ जेके नर्सिस हीअ जेको हेल्थ केयर स्टाफ़ आहे पैरामेडिकल स्टाफ़ जंहिंखे असां चवंदा आहियूं छा हीअ इंसान कोन्हनि के हिननि खे मोकल जो हक़ु कोन्हे को जेके वीचारियूं असांजी बीमारी में असांजो साथ ॾींदियूं आहिनि हर वक़्तु माउ वांगुरु असांजी टेक केयर कंदियूं आहिनि असां हिकिड़ी सॾु कंदा आहियूं हिकिड़ी रड़ कंदा आहियूं नर्स सिस्टर अदी भेण जंहिंखे असां चवंदा आहियूं हू भॼंदियूं ईंदियूं आहिनि छाजे करे भॼंदियूं ईंदियूं आहिनि उन्हनि खे सेखारियो वेंदो आहे उन्हनि खे हिकिड़ो अहसास जो रिश्तो जॾहिं उन्हनि खे मेडिकल पढ़ायो वेंदो आहे त उन्हनि खे इहो जज़्बो बि अंदर में अहसासु सेखारियो वेंदो आहे जॾहिं हिननि जी हाउस जॉब थींदी आहे त उन्हनि खे इहो सेखारियो वेंदो आहे त जेको पेशंट जेके तव्हांखे ट्रीट करिणो आहे उनखे तव्हां पंहिंजे घर भाती वांगुरु सम्झिजो उन खां अलावा हीअ जेके असांजूं भेनरूं जेके एडवोकेट्स आहिनि जेके
मैजिस्ट्रेट आहिनि, छा इन्हनि जा हक़ कोन्हनि के, छा सोशल वर्कर जेके भेनरूं आहिनि उन्हनि जा हक़ कोन्हनि के। अॼु सभु हक़ असां हिते बयानु कंदासीं, कुझु असां उन्हनि जी ॿुधंदासीं, कुझु तव्हांजी ॿुधंदासीं, कुझु पंहिंजी ॿुधाईंदासीं। सो जेके जेके ॻाल्हियूं मां तव्हां सां शेयर कयूं उन ई तरीक़े सां मां हलंदसि, ऐं असां सां गॾु जेके हिते मौजूदु आहिनि मुंहिंजा गेस्ट आहिनि, मुंहिंजे लाइ मोतबर आहिनि, मुंहिंजी रिस्पेक्ट आहिनि, ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त सभु हिते मौजूदु आहिनि। त मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त हुमेरा मेमन आहिनि, एडवोकेट हाई कोर्ट में हूंदियूं आहिनि, साजिदा बलोच आहिनि, सोशल वर्कर आहिनि, महाबलोच आहिनि, ऐं माशाल्लाह सां महाबलोच जेके आहिनि उहे आहिनि वैन ड्राइवर, ऐं वैन हलाईंदियूं आहिनि, पिक एंड ड्रॉप कंदियूं आहिनि। उहो उन्हनि खां पुछंदासीं त हू कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे ॿाहिरि निकितियूं, ऐं कीअं उन्हनि खे जेको आहे इहा इजाज़त मिली त हू वैन ड्राइवर थियनि। उन खां अलावा हिम्मत अली कोलाची असां सां गॾु आहे, रेलवे स्टेशन कराची कूली मैन आहिनि। हसीना आहिनि असां सां गॾु, मेड आहिनि, पर मेड मां हिननि खे न चवंदसि, मुंहिंजी भेण आहे, असांजी इज़त आहे, मां तव्हांखे सलाम पेश करणु चाहींदसि मुंहिंजी भेण। ऐं राफ़िया अनवर असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, जेका पैरामेडिकल स्टाफ जी हिकिड़ी मेंबर आहे ऐं नर्स आहिनि। सो सभिनीनि खे भलीकार कंदासीं, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ रंगन भरी शाम में, तां सबनिन के भलीकार कंदस, तां भी व्यूवर्स असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सको था, असांके लाइव कॉल करे सको था। तो वन बाय वन जेको आहे असां गलाइंदासीं तां सबनिन का पहिरियां हाई कोर्ट, सबनिन का पहिरियां हाई कोर्ट जी तरफ हलदासीं। त कीअं आयो अदी, ठीकु आहियो? अलहमदिल्ला मां ठीकु आहियां। सभु खां पहिरियां मां तव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां त तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में मूंखे घुरायो आहे ताकी असां पंहिंजा ख़्यालात हिते शेयर करे सघूं। उन खां पोइ मां हिकिड़ो शेयर चवणु चाहींदसि मज़दूर जे हवाले सां। इस शहर में मज़दूर जैसा कोई दर बदर नहीं, इस शहर में मज़दूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने बनाए सबके घर उसका कोई घर नहीं। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही। त अॼु जो जेको ॾींहुं आहे हे मज़दूरनि जे लाइ आलमी ॾींहुं आहे, पर इन जी अगरि तव्हां उबतर ॾिसंदो त तव्हांखे सभु कुझु चेंज नज़र ईंदो। वॾो तव्हां सोशल मीडिया ते, पंहिंजे मोबाइल्स ते, हर जॻह ते स्टेटस लॻाईंदा आहियो त अॼु मज़दूर डे आहे, पर तव्हां उन्हनि लाइ छा था कयो? कुझु बि नथा कयो। उन जे कंधनि ते जेको बोझ आहे असुलु, तव्हां उहो हटायो। इहो न आहे त तव्हां छुटी करे चओ त अॼु असां हिकु मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो आहे। उन्हनि जूं केतिरियूं ज़रूरतूं आहिनि, उहे कहिड़नि कहिड़नि मसाइलनि खे फेस करे रहिया आहिनि, कीअं पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे रहिया आहिनि। अगरि तव्हां मज़दूर जे हवाले सां ॻाल्हि कंदो त मज़दूर सिर्फ़ु इहे मज़दूर न आहिनि, असां बि मज़दूर आहियूं। उन खां पोइ जेके गवर्नमेंट इम्प्लॉइज़ अची था वञनि, उहे बि मज़दूर आहिनि, पर उन्हनि जे लाइ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आहिनि। आम जेको मज़दूर ॾियाड़ी करण वारो आहे, जेका लेबर आहे, उन्हनि लाइ काई फैसिलिटीज़ न आहिनि। उन्हनि खे तमामु घणियूं घणियूं मुश्किलात पवनि थियूं, उन्हनि खे का सहूलत न आहे ॾिनी। अॼु जे ॾींहुं बि तव्हां ॾिसंदो कूली इहे कमु करनि था पिया, छो त हिननि खे कोई बग़ैर महिनत खां सवाइ कुझु बि न ॾींदो। पर जेके इम्प्लॉइज़ आहिनि उहे अॼु बि आराम सां सुता पिया आहिनि। इवन असां बि हुन छुटी में शुमार आहियूं, असांखे बि छुटी मिली आहे, पर ही माण्हू अॼु बि पंहिंजी महिनत जे लाइ इंतज़ार में वेठा आहिनि त का सवारी अचे, कुझु अचे। जीअं अदी जी ॻाल्हि कयूं त बाबा घरनि में जेके कमु करनि थियूं, इवन असां ई छो न हुजूं, असां बि उन्हनि खे छुटी न ॾींदासीं, छा जी छुटी? हालांकि इहे शयूं करणु खपनि। तव्हां यकीन कयो, गिज़री तव्हांजो, मां उते ई गिज़री, तव्हां गिज़री में रहंदा आहियो त तव्हांखे त बहितर ख़बर आहे त उते फुटपाथ जे लाइन लॻल हूंदी आहे, बिल्कुलु। कारपेंटर बि उते वेठल आहे, पेंटर बि उते वेठल आहे, मतिलबु जेके हो पत्थर भरण वारा जेके हूंदा आहिनि, केतिरी तादाद में अॼु बि वेठा हुआ। भई अॼु जेकॾहिं तव्हां चओ था मज़दूर डे आहे त तव्हां इन्हनि खे त कुझु ॾियो त भई अॼोको ॾींहुं त हू सुख सां पंहिंजी फैमिली सां गॾु ॾींहुं गुज़ारनि। हिकिड़े ॾींहं जो त कंहिंजो बंदोबस्त कयो, बेशक अलाह जी ज़ात आहे बंदोबस्त करण वारी, पर कोई त कंहिंजे लाइ कुझु त कोई एफर्ट करे न। हालांकि हिननि जे लाइ लॉस त काफ़ी लॉस ठाहिया विया आहिनि, 150 खां वधीक लॉस आहिनि, पर उन्हनि ते अमल नथो थिए, उन्हनि में का तरमीम नथी अचे। त माना अहिड़नि माण्हुनि लाइ छा करणु खपे, अहिड़नि माण्हुनि खे कीअं बेनिफिट्स ॾियणु खपनि? इन्हनि जे लाइ हेल्थ कार्ड इशू कया वञनि, हिननि जे लाइ राशन इशू कया वञनि, हिननि खे एजुकेशन कार्ड्स ॾिना वञनि, काफ़ी सारी। असां चवंदा आहियूं हिननि जा ॿार अनपढ़, पहिरियां वीचारा उहो पंहिंजो पेट त पालनि। अॼु महांगाई जो दौरु आहे, तव्हां ॾिसो जंहिं शख़्स खे हिकिड़ो ॿारु आहे उहो बि तमामु मुश्किल सां सर्वाइव करे थो, ऐं जंहिंजा 4 खां 5 हूंदा ऐं उहो डेली वेजिस वारो हूंदो,
उहो भी वडी मुश्किल सा उन वेचारे के कुछ न कुछ मिलंदो जे तमाम के मिसाल लिनो तो असा जने गिजरी के क्रॉस कंदायू त काफी सारा जरूरी न है तो उनन के डेली विचारन के को कम मिलदो हो जे वडी मुश्किल सा पर उनन के अगर के वेचारे के कम मिली भी विंदो आ तो मानु जी जेका सोच हुंदी आ उनन के उहा उजरत भी ना है देनी विंदी बल्कि यो चवंदा तो जो कम त हेत्रो पैसन जी एडी डिमांड कई होई आ तमा इहो नथा दिसो तो पोया हुन जी फैमिली भी आए हु बेचारो रोड ते वेठो आ वडी मुश्किल सा हुन के वो कम मिले तो उल्टो असा ही उनन मानन के गालाइना मींस असा ही उनन मानन जी पहरी त कदर नथा कयो सबखा पहरा त म पांजो पाण ते कंदम त असा ही उनन मानन जी कदर असा पांजे माशरे के सुधारण ला सबखा पहरा असा पांजो पाण के सुधारियो ये चेंजेस असा पांजे अंदर आणियो अगर असा आणीदास इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली सबिन जे अंदर ये शेम क्रिएट थी मतलब जो मकसद यो आ त बेसिकली असा के सफाई जी जरूरत आ पंजो पांजे दिमाग जी सफाई जी जरूरत आ पंजे अंदर जे जमीर जी सफाई जी जरूरत आ असा जेसी ताई पंजे जमीर के न जगाईंदासी तेसी ताई कुछ भी न तो थी सके मैं अपने भा जी तरफ हलण चाहिंदस भा की आयो ठीक आयो तहां जेको है केतरे अरसे खा वठी ही कम करे रहया हो मैडम सब का पहरा केटन वारन जो शुक्रिया जे मजदूर डे ते असा के याद कयो मां 12 साल खा उते कम गया तो मां जो ताल्लुक जिला गोटकी सा है मुझे नाल हिम्मत अली कोल अच्छी सही 12 साल खा जो असन जी फील्ड हले पई मां यो समझा पियो ता असन जो कदम अगद न पियो वने अन्या यो खचो आए तो पोते वने तो असन जो कदम लेकिन अगद न थो वने छो जो असा चाहूँ था पहले असा सोचा से तो सोचो से तो जैसे असा वजन खणदा से बोझ खणदा से कुछ घर जे लाए करे करे वड़दा से कुछ शायद बारन जे लाए कपड़ा नवाल थींदा या उनन जे लाए स्कूल कुछ असा तालीम करायूं लेकिन इन में कोई भी असा के नजर अड़ो नथो नजर अचे जैसा असा अगते वधी सकूं लेकिन असा हाने भी 12 साल खां मां ये सोचूं पिया त घर हलाइण भी ॾाढो ॾुखियो आहे पहिरियों ॾिसूं था पंहिंजो खाइणु उनखां पोइ कॾहिं सोचूं था त ॿियो असां वेलो खायूं या घर मोकिलियूं कॾहिं 300 मिलनि था कॾहिं 500 मिलनि था मतलबु तव्हांजी फैमिली घोटकी में आहे घोटकी में तव्हां हिते पाण अकेला पिया रहो जी बिल्कुलु ठीकु आहे त तव्हांजी हिते जेका रिहाइश आहे उहा किथे आहे ऐं किथे रहंदा आहियो तव्हां कंहिं स्टेशन जी असांजी रिहाइश आहे सरकारी ॿ क्वार्टर असांखे मिलियल आहिनि त उन में तव्हां पंहिंजी फैमिली खे नथा घुराए सघो जी बिल्कुलु नथा घुराए सघो उहो सिर्फ़ु कुली बिरादरीनि जे लाइ अच्छा सही त यानी फैमिलीज़ खे अलाउ कोन्हे को उते इजाज़त कोन्हे का फैमिली बिल्कुलु इजाज़त फैमिली खे अच्छा सही पोइ उन जे लाइ असां इहो सोचूं पिया असां मीडिया खे अर्ज़ु कयोसीं उन नाला निवारण ते पहुचायो लेकिन शेख रशीद साहब सां रेलवे मिनिस्टरनि सां सभिनि सां असां पाण मिलियासीं लेकिन अहिड़ो कोई असांखे पैकेज नथो ॾिनो वञे जंहिंसां असां हिकिड़ो मिसाल बोझ खणी बि असां कुझु करे सघूं मिसाल जी ॻाल्हि अगर असां बोझ खणी करे असां पंहिंजो घर जो कुझु हलायूं मतिलबु ॿारनि जे लाइ असांजे लाइ कुझु हिकिड़ो पैकेज ॾिनो वञे जीअं ॿारनि खे असां तालीम करायूं न असां जॾहिं पाण पढ़ियासीं न हिनुर बि न सिखियासीं पंहिंजी ज़िंदगी तबाह कईसीं ॿारनि जी बि ज़िंदगी तबाह थिए त पोइ छा केतिरा ॿार आहिनि तव्हांखे टे ॿार आहिनि ऐं उहे पढ़नि था उते घोटकी में या न बिल्कुलु बि कोन पढ़नि कोन था पढ़नि कपिड़ो लटो कोन्हे हिननि वटि अगरि स्कूल सरकारी आहे त उन्हनि खे केरु वठी वञे अॼु इलाही पेट्रोल महांगो आहे महांगाई आहे उन्हनि खे केरु मोटरसाइकिल वठी वञे या उतां वठी अचे घर ताईं एतिरो असांजो वॾो मसाइल आहे मतिलबु ऐं तव्हांखे डेली बेसिस ते केतिरा पैसा मिलंदा आहिनि केतिरियूं सवारियूं जेके अचनि थियूं ऐं उहे केतिरा आहिनि माण्हू जिन खे तव्हां उन्हनि जी गाॾियुनि ताईं पहुचायो था उन्हनि जो बोझ खणी वञनि त लखनि जी तइदाद में वञनि था लेकिन ॾींहं में तव्हांखे केतिरा माण्हू हूंदा जेके सॾींदा हूंदा अंदाज़ो हिकु कुल जे हिसाब सां 4-5 कॾहिं ॿ कॾहिं कोई खणाए बि कोन्ह थो अहिड़ो वक़्तु आयो जॾहिं ॿ महीना ट्रेना बंदि हुयूं असां घर वेठासीं जॾहिं पियो जाम हुयो मतिलबु की असां 30,000 रुपियो उधारो वरितोसीं पंहिंजो उते गुज़ारो कयोसीं हाणे असां माननि घर ईदूं कयूं घर में ईदूं कयूं असां रोडनि ते ईदी मुसाफ़िरनि खां सामान खणी करे रोडनि ते ईद गुज़ारीसीं घर वारा कॉल करनि पिया कपिड़े लटे लाइ असां उन्हनि जी फ़ोन बि न खईं असां चयो जॾहिं उन्हनि जो असां रोइण ई नथा ॿुधी सघंदासीं छो जो असां पैसा उन्हनि जे लाइ मोकिलियो कुझु न आहे ईद जे लाइ ॿारनि नंढड़नि खे कहिड़ी ख़बर अथव कमाए थो नथो कमाए छा मिलियो आहे उन्हनि खे त कपिड़ो लटो खपे न ऐं ॾींहं में तव्हांखे केतिरा पैसा मिली वेंदा आहिनि तक़रीबन मुसाफ़िर जे हिसाब सां आहिनि जेतिरा मुसाफ़िर ईंदा ओतिरा पैसा मिलंदा मां तव्हांखां वराए पुछणु चाहींदसि केतिरा मिलंदा आहिनि छो त तक़रीबन जो मक़सदु इहो आहे त मुंहिंजे व्यूवर्स खे इहो क्लियर थिए त हिकिड़े कूली खे उनजी जेका हिकिड़ी महिनत जो जेको फल आहे उहो उनखे मिले थो या नथो मिले मां सम्झी सघां थी इन में तव्हां बि बुरो न मनाइजो सिर्फ़ु मां कुझु माण्हुनि जूं अखियूं खोलण थी चाहियां पई
500 ताई मिलिन था कदी 500 कदी 600 कदी 400 500 या 600 600 तक ठीक आ त उन में ता छा पहजे लाय रखंदो छा घर मोकलिंदो अस कोशिश इन ये कंदा हूं अस चंदा इन में 100 150 अगर कोई गुजारो थी ने एकड़ो वेलो या बावेला तो मतलब 400 घर कम से कम मोकलियो ना छो जो इतो अस अगर पैसा मोकलियो 20 रुपए ते कट जी वजन था वरी अस पैकेज करयो मोबाइल ते जेसा अस गलायो त अस जा पैसा अचन था वरी ओलो पैसा कटाइन था त 20 रुपया उए वठन था ही हालात आहन असांजे रेलवे स्टेशन पाकिस्तान कराची जा जिथे कूली वेचारो हिकड़ो पेंजी छा चवां मोट त हियर एड़ा लफ्ज ता अचन जेके मां ऑनियर नथी गलाए सगा अफसोस जो मकाम आहे बुडी मरण वारो मकाम आहे जो असां कें खां अगर पंहिंजो बोझ खणायूं था सभिन खां पहिरीं ॻाल्हि त इहो त पंहिंजो बोझ इंसान पाण खणे पर जेकॾहिं असां जी दिल चवे थी त हा भई असां कोई कूली कयूं कोई पॉडर कयूं त असां उनखे उनजी महिनत ॾियूं त तव्हांजो दिलि ऐं गुर्दो ऐं कले जो एतिरो हुजणु घुरिजे त तव्हां जॾहिं कोई पॉडर जॾहिं कोई कूली तव्हां सॾु कयो था त इहा नियत रखो इहा सोच रखो त 10-20 रुपया या 100-200 उनखे मां वधीक ई ॾींदसि उनजी महिनत उनखे ॾींदसि उनखां घटि मां हुनखे न ॾींदसि अॼु मज़दूर डे आहे ऐं मां चाहियां थी त जिन जा सुतल ज़मीर आहिनि उहे जाॻी वञनि अॼु त बहितरु थींदो वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो जल्दी वापसि था अचो वेलकम बैक व्यूअर्स बे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियो ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं असां उन सिलसिले में जेको ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं असांजा जेके बि हिते गेस्ट मौजूदु आहिनि सो वन बाय वन उन्हनि सां ॻाल्हायूं बि पिया त हींअर मां पंहिंजी भेण साजिदा जी तरफ़ हलंदमि त माशाल्लाह से आप सोशल वर्कर बि हैं तो किस तरह का सोशल वर्क करती हैं मेरा हमारा जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एंगेजमेंट वुमेन एम्पावरमेंट में जिस तरह सबसे ज़्यादा जो काम है वो हम सिंगल मदर्स के साथ करते हैं सिंगल मदर आपको पता है इस मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है आप एक औरत जब डिवोर्सी हो जाती है या विडो हो जाती है तो उसके लिए काम करना या कुछ करना बहुत मुश्किल है जैसे कि अभी हिम्मत ने कहा कि हमारे पास ना तालीम है ना हुनर तो क्या करेगी वो औरत मर्द होकर तो वो बोझा उठा लेता है वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर लेता है मगर जब एक औरत होती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से काम करना तो मेरा अपना जो हमारा इदारा है हमने मायरा मार्स अवेयरनेस इंडिविजुअल राइट्स हम उसके साथ हम क्या करते हैं कि हम उन ख्वातीन को हुनर सिखाते उनको हुनरमंद बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको ऑनलाइन बिजनेस सिखाते हैं या फिर घर में बैठकर उनको अपना कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ताकि वो घर बैठकर अपना काम कर सके अपने बच्चे पाल सके अपनी लाइफ को स्ट्रीम लाइन में ला सके ये तो मेजर वर्क है मेरा उसके साथ साथ मैं होम बेस्ड वर्कर्स के साथ काम करती हूँ मेरे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं होम बेस्ड वर्कर्स के डोमेस्टिक वर्कर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़ते हैं जो कि मासियाँ होती हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हैं तो उनके बच्चों को हम क्या करते हैं कि कोचिंग फ्री करवाते हैं उनके बच्चियों को हम सिलाई सिखाते हैं पॉलर सिखाते हैं ताकि वो उनके आगे उनकी औलादें वो सब कुछ ना दोहराएं सही क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है वो अनएजुकेटेड खुद तो रह गए मगर वो बच्चे को अपने अनएजुकेटेड नहीं देखना चाहते जब आप माशरे में इन सबको इस तरह से देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है बहुत सारी चीज़ें तो हमारी एक पूरी मतलब टीम वर्क काम कर रही होती है जिसमें वकला भी हैं कई बार हमें इनके केसेस देखने पड़ते हैं चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि हरासमेंट का बहुत बड़ा इशू है वुमेन जब अकेली हो जाती है औरत अकेली होती है तो उसको हरासमेंट बहुत सारी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है माशरे की हरासमेंट है घर से बाहर निकलने की हरासमेंट है वर्क एंड प्लेस पे बहुत सारी हरासमेंट है उसके साथ जो वो हरासमेंट है उस हरासमेंट के साथ उसको जीना भी सिखाना है आपको क्योंकि वो अकेली है मेरे द्वारा ख्वातीन को और बच्चियों को बाइकिंग भी सिखाता है और हमारी अभी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बाइकिंग के सीख कर और अब वो बाइकियां भी कर रही हैं बाइकियां चला रही हैं ताकि वो ख्वातीन को जो है वो
पिक एंड ड्रॉप दें और ये सारा कुछ करें। तो अच्छा, लॉज बहुत है हमारे पास मगर इम्प्लीमेंट नहीं है। आप अगर किसी भी बड़ी कंपनी में जाके पूछें कि आपके पास कोई हरासमेंट की कमेटी बनी हुई है, क्योंकि आपके पास वर्क एंड हरासमेंट है आपका, कहीं नहीं बनी होती। कहीं नहीं बनी होती, क्योंकि वो अगर हरासमेंट की उस सब पॉलिसीज़ पर अमल करेंगे तो उनका ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी सारी कंपनियां ठेकेदारी निज़ाम पे चल रही हैं। आपने परमानेंट मुलाज़िम रखना बंद कर दिए हैं, कंपनियां परमानेंट मुलाज़िम नहीं रखती, क्योंकि परमानेंट मुलाज़िम को सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, UBI देना पड़ता है, उस मुलाज़िम को आपको जो है प्रॉपर लीव्स देनी पड़ती हैं, बोनस देना पड़ता है। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए एक शॉर्ट टेक है कि आप जी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रखें, 3 महीना होने से पहले ही आप उस मुलाजिम को फारिग कर देते हैं, अगेन उसको कहते हैं 3-4 दिन घर बैठ जाओ, बेरोज़गार हो जाओ, 4 दिन बाद फिर फैक्ट्री के दरवाजे पे आना और फिर काम करना। तो ये सब मर्द तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लड़के तो बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जो ख़वातीन है वो क्या करें? मर्द भी आजकल कहाँ बर्दाश्त कर सकता है, पीछे मतलब उसकी फैमिली है। यही मतलब वो कर रहा है बेचारा बर्दाश्त। हाँ। वो कर रहा है बर्दाश्त, इसलिए कर रहा है क्योंकि पीछे जो घर पे उसका बच्चा भूखा बैठा है, दूध के लिए तड़प रहा है, बीवी बैठी है खाना खाने के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत मुश्किल। 4 दिन होते हैं ना वो उसके लिए अजाब हो जाते हैं, वो जो हर 3 महीने के बाद वो 1 हफ्ता उसके पास आता है ना, वो ज़िंदगी अजाब बना देने वाला होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये 1 हफ्ता मैं नहीं कमाऊँगा, मुझे घर में अगर बच्चा बीमार हो गया तो मैं उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। उसको पता है, आपको मैं अपनी होम बेस वर्कर्स की बात इसलिए करती हूँ कि वो ख़वातीन इन्हीं कंपनियों से काम लाकर अपने घरों में कर रही होती हैं कुछ ना कुछ काम। मतलब कोई ऐसी भी औरतें हमारे पास हैं जो पूरा दिन लगा कर शॉपर अलहदा करती हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, 400-300 रुपये दिहाड़ कमाती हैं। ऐसी ख़वातीन भी हैं जो पूरा दिन बैठकर मोती ताके का काम करती हैं और सुबह से शाम तक में सिर्फ 100 रुपया कमाती हैं। और मैं जानती हूँ ऐसी ख़वातीन को जिनके घर ईद के दिन चूल्हा नहीं जला। इतनी अज़ियत, मतलब ईद के बाद हमने 4 डे पर कम्युनिटी के साथ एक मीटिंग की और जहाँ मुझे जब उन्होंने ये तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसी सब को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आपका हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हुनरमंद नहीं हैं, आपके पास स्किल्ड नहीं है, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे गूंगे बहरे हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको काम नहीं आता, आप क्या करेंगे। अनस्किल्ड लोगों के अंदर इस वक्त हमारे पास बेरोजगारी की शरह कई गुना ज्यादा 110% बढ़ गई है, बढ़ गई है। और सबसे बड़ा मसला है कि फिर वो लोग क्राइम, मंशियात, इस सब के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। जब औरत के पास घर में बच्चे भूखे होते हैं, वो शौहर पे चीखती चिल्लाती है, शौहर फिर क्या कर सकता है, उसको बाहर काम नहीं मिलता, वो फिर मार पिटाई शुरू कर देता है, वो वायलेंस का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है। बेसिकली हमें यहाँ पे साइको बनाया गया है, बिल्कुल ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे अंदर क्रिएट किए गए हैं जानबूझकर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमें वो पिंच किए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, हम मेंटली जो है ना वो मुसलसल डिस्टर्ब। और इस वक्त आता के पाण के इन शे के एग्री कंदा त हिन वक्त असांजी जेका यूथ आहे वा 75% डिप्रेशन जो शिकार है, बिल्कुल जस्ट बिकॉज ऑफ द बेरोजगारी। आए हुनन वट जेको आहे न खाइण पीअण जे लाइ कुझु आहे, न घर में उहे फैसिलिटीज़ आहिनि, न हुननि जे माउ पीउ हुननि खे उन तरह सां एजुकेट करण जी कोशिश कई। एजुकेशन केतिरी एक्सपेंसिव थी वई आहे, तमामु घणी, एतिरी एक्सपेंसिव थी आहे, पर असांजा पढ़ियल लिखियल छोकिरा छोकिरियूं तव्हांखे ईअं नज़र ईंदा, छो छाजे करे उन्हनि खे जॉब्स न आहिनि। अहिड़ा काफ़ी माण्हू ॾिठा आहिनि जेके माशाल्लाह सुठियूं सुठियूं डिग्रियूं खणी बि को ठेलो लॻाए वेठो आहे, को सब्ज़ी थो विकिणे, को कुझु थो करे, छा करनि। सभ खां पहिरियां त इन शइ ते फोकस कयो वञे, इन्हनि खे रोज़गार ॾिना वञनि ताकी सुकून जी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। मूंखे यादि थो अचे कुझु अरसो पहिरें जी ॻाल्हि आहे, मां उन इंसान जो नालो हिते न खणणु चाहींदसि, पर अनाउंसमेंट थी ही त असां हेतिरनि जेको आहे जवाननि खे नौकिरियूं ॾींदासीं, त उहो काॾे वियो? काफ़ी सारी तव्हांखे एडवर्टाइज़ नज़र ईंदियूं, असां जहिड़ा माण्हू वेंदासीं, डॉक्यूमेंट्स जमा कराईंदासीं, सभु कुझु कंदासीं, जॾहिं टाइम ईंदो आहे त ख़बर ई न पवंदी आहे त जॉब्स मिलियूं कंहिंखे।
हाँ जॉब्स भी हैं जिके ऑफर थे ना तो 15,000-20,000 या 10,000 जिके हाने भी थे आता ना सो पीएसटी और जीएसटी वाला उन्हें जी मैक्सिमम ताँ देसो छह सैलरी रखी हुई है 30,000-32,000 हाँ उनमें छह गुजारो थी दो उनका अलावा माँ हैकड़ी गाल कहियां ता जी माँ हैकड़ी फीमेल आया माँ चंदम जरूर माँ के स्कूल थी वन्या माँ पान के मेंटेन करे वन्या पान के सवार यहाँ सुट्ठा कपड़ा पाया उते मेज खावा या पांजे घर का थोड़ो डिस्टेंस थे वन्या जरूर मुखे को रिक्शा कराणो पवंदो को गाड़ी में वणणो पवंदो को पेट्रोल दी जरूरत पवंदी त ई छा 30,000 में मा करे सगा थी भाई 30,000 में ता 15,000 तो घर जो रेंट कडी छड्यो ना घर जो रेंट कडी छड्यो न खप बिजली जो बिल माशाल्लाह सा वरी फ्यूल एडजस्टमेंट्स जे के अचन ता 7,000 तो असके एक्स्ट्रा पे करना था पवन पे बिजली जे बिल में उन का अलावा जेको आहे हियर जेके गैस जे बिल्स अची रहा हन सजो साल असवट गैस कोन हुई पर माशाल्लाह जेके गैस जे बिल्स जेके सब भरियो था न वे 100% भरे रहया हूं त ही असा जो जेको निजाम आहे न सैल्यूट आहे न निजाम 30,000 या 25,000 तो आप सरकार के लोगों की बात कर रहे हैं ना जो कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं जो दिहाड़ी पे वहां पे काम कर रहे हैं वो तो 12,000-13,000 जिसकी 30,000 में नहीं जो प्राइवेट कंपनीज हैं और स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज में तो 14,000-15,000 से ऊपर होता ही नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है वर्क आवर्स, आप किसी भी जगह 8 घंटे के मुलाजिम नहीं हैं, आपका वर्क आवर जो है जो आप अगर आज हम जो योम मई मना रहे हैं शिकागो तो वो 8 आवर्स का जो वर्क आवर था उसी के खिलाफ था, आज जो वर्क आवर है वो 12 घंटे है आपका 12 घंटे भी ठीक है ऐतराज नहीं आप करवाओ लेकिन इसको ओवर पे तो करो ओवर पे करो बल्कि उसका एक्चुअल पे भी करो मतलब एक्चुअल पे 25,000 सिंध गवर्नमेंट ने रखा है ताकि बंदा खुशी से तो करे ना वो चीज उसी पे इंप्लीमेंट कर लो तो बंदा कम से कम दिल से काम कर ले उसमें भी आप उससे 12 घंटे काम कराते हैं और आप उसको देते क्या है 14,000-15,000 मुश्किल है ना हर इंसान है कुछ क्या ही जेको कुछ भी मां कमाया तो मां पेरे बारन जाए ओवर टाइम करण लाए भी तैयार आया पर उने के उने जो हक दिनो वने तसा नीते भेण नर्स भी बैठी आहे जिस जे के ऐसा सिस्टर भी चवंदा आयो तो कैसे हैं आप ठीक हैं मैं ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तो आप बताइए आपका दिन आज का कैसे गुजर रहा है अभी तो हमारे साथ अच्छा ही गुजर रहा होगा लेकिन उसके अलावा जो आपकी ड्यूटीज होती हैं वर्क आवर्स आपके क्या हैं और आपकी कितनी टफ जॉब होती है सबसे पहले तो जो आज हम दिन मना रहे हैं लेबर डे हम सब मिलके पूरे मुल्क के अंदर मैं उन तमाम हार्ड वर्कर्स को सलूट पेश करती हूँ कि जिनका हम दिन मना रहे हैं वो आज भी अपने काम कर रहे हैं लोग नर्सिस हैं बींग नर्सिस नर्स तो नर्सिस जैसे ड्यूटी पे रहें ड्यूटी कर रही हैं और हार्ड वर्कर हैं बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि कोविड के दिनों में तमाम लोग जो हैं वो लॉकडाउन में घरों में बंद हो गए थे और मैं खुद जब फर्स्ट पेशेंट आया इस्लामाबाद में जो पहला पेशेंट एंटर हुआ तो पूरे पाकिस्तान में जो था वो हलचल मच गई कि कोविड जो है वो आ गया तो हर हॉस्पिटल में लदा जो थे वो बाहर की साइड पे हॉस्पिटल्स बना दिए उनको आइसोलेशन वार्ड बना दिए तो बहुत ज़्यादा नर्सिस ने काम किया और मैं ख़ुद भी इंटीरियर में जाके मैंने जॉब की है जो बिल्कुल एक जंगल में हॉस्पिटल था गडाब के अंदर मैं थी और मेरे कुछ चंद और कोलीग्स थी हम सब की ड्यूटी लगी और वहाँ पर जब हम गए तो हमें कहा कि भई आप जो है ना 24 आवर्स यहाँ रहेंगे और वहाँ हम लोग एक सुबह जाते थे सारा दिन भी रहते थे सारी रात भी रहते थे उससे अगले दिन हम आते थे हमने 2 शिफ्टें बना ली 2 ग्रुप्स बना लिए इसी तरह मतलब हर जगह पे जो था नर्सिस ने बहुत परफॉर्म किया अगर दिल की बात आपको सच बताऊं क्योंकि मेरा मैं झूठ नहीं बोलती और बोलना चाहती भी नहीं हूं तो बोलूंगी भी नहीं बिलीव करें जितना नर्सिस ने काम किया है कोविड के दिनों में किसी ने नहीं किया वो तो देख रहा था नहीं इसमें कोई आप लोग बाहर से देख रहे थे आप लोग देख रहे थे कि नर्सिस काम कर रही हैं
डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल काम कर रहा है, हर बंदा जो था वो हाई रिस्क पे था, क्योंकि जब पेशेंट एंटर हो रहा था तो सबसे पहले तो चौकीदार उसको अंदर करेगा, वो भी हाई रिस्क पे। हर बंदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सर्जन, फिजिशियंस, नर्सिस, सैनिटरी वर्कर, स्पेशली तमाम लोग हाई रिस्क पे थे। और इतनी टफ ड्यूटियाँ की लोगों ने कि पूरी पूरी रात आईसीयू में इतने सीरियस पेशेंट पड़े होते थे, इतना अंदर से दिल दुखता था और कोशिश होती थी और दिल से दुआ करते थे कि खुदावंद ये सही हो के जवान जवान बच्चे अपने घरों में जाएं। और बिलीव करें, हम आईसीयू के अंदर पूरी रात खड़े रहते थे, शाम 8 बजे के पहुँचे हुए, सुबह 9 बजे तक हमने वहाँ होना था, 12 के भी 14 घंटे हम काम करके आते थे। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी तमाम कोलीग्स, तमाम लोग जो थे वो इसी तरह अपनी ड्यूटी जो थी वो परफॉर्म कर रहे थे। मैंने तो ये तक सुना था कि 24-24 घंटे जो हैं आप लोग अपनी ड्यूटीज पर हैं, आप लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। नहीं गए ना, क्योंकि वो एक खौफ भी था और जाहिर है वो जर्म्स थे, वो जाहिर है आप जाते तो आपकी अल्लाह ना करे फैमिली को भी लग सकते। बिलीव करें, मेरा एक ही बेटा है, मेरी बेटी 15 ईयर्स की थी, वो उसकी उसको CA हुआ तो उसकी डेथ हो गई। अब एक ही मेरा बच्चा और मैं गड्डाब से जब ड्यूटी करके आती थी 24 घंटे के बाद, 24 के भी मैं 26-27 घंटे गुजार के आती थी, क्योंकि 2-2.5 घंटे का वहाँ तक का रास्ता था। और वहाँ से जब मैं आती थी तो मैं नीचे से बेल देती थी और मैं फ़ोन पे कहती थी कि आप दरवाज़ा खोल के मैं और मेरे अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को कि आप लोग दूसरे कमरे में लॉक हो जाओ, मैं सीधी वॉशरूम में जाऊँगी और मैं पहले अपने कपड़े चेंज करूंगी, मैं शावर लूंगी, हाथ धोऊंगी, ये भी, ये सैनिटाइज, वो सैनिटाइज, मतलब काफ़ी कोशिश। इतना डर लगता था कि कहीं मेरे बच्चे को ना मतलब कुछ हो जाए। और इसी तरह हर बंदा ही जो है वो इतना डरा हुआ था कि कहीं हमारे घर वालों का। और हुआ भी, नर्सिस को भी बहुत हुए, हमारे डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो था उनके भी काफ़ी लोग जो थे उनको कोविड हुआ, कुछ लोग सरवाइव कर गए, कुछ नहीं भी कर सके। तो उन दिनों में गवर्नमेंट ने हमें क्या किया कि एक अलाउंस दिया, कोविड अलाउंस दिया, एक ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक जो था वो 17,000 रुपया पे किया, और 17 से लेके 22 ग्रेड तक जो था, 21 ग्रेड के लोग थे उनको 35,000 दिया। आप देखें कि इस महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि वो अलाउंस काफ़ी अरसा, मतलब 1-1.5 साल चला, उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जब उस अलाउंस को बंद कर दिया और महंगाई बढ़ गई तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, नर्सिस सड़कों पे आ गईं, डॉक्टर्स आपने सुना होगा पिछले 2 दिनों में वो सड़कों पे आ गए, पैरामेडिकल अभी भी, हेल्थ वर्कर सारी आ गई, सारे लोग, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, अलाउंस कट गया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची, अपनी ड्यूटी प्लेस पे पहुँची, तो मैंने, मेरे कोलीग्स थे, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, तो मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा कि आपको कैसा लगा है कि 35,000 कट गया। तो मेरे एक डॉक्टर हैं, कहने लगे कि बाजी पूरी रात नहीं मैं सो सका, क्योंकि इस 35,000 में मैं बिल पे करता था और इस 35,000 में मेरी ग्रॉसरी आ जाती थी। और मैं अपनी बात करती हूँ, जब मेरे, मतलब मेरे भी जाहिर है साथ ही कट गए, तो मैं सोच रही थी कि कम से कम मैं थोड़े से पैसे और डालती थी तो मेरे घर का किराया हो जाता था और मेरे बिल निकल जाते थे। तो वो भी कट गए। जैसे हम गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईली पे गवर्नमेंट जो है वो नर्स को करती है। हमारी बहुत सारी नर्सिस ऐसी हैं जो मुल्क छोड़ के चली गई हैं, कुवैत भरा पड़ा है पाकिस्तानी नर्सिस से, दुबई, शारजा भरा हुआ है, कनाडा, माल्टा, UK में बहुत दुनिया चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही थी। क्योंकि देखिए जी, अगर बीइंग अ नर्स, अगर मैं नर्स हूँ तो मैं तो चाहूँगी कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने,
मेरी बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम सब जितने भी बैठे होते हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि जो हमने किया हमारे बच्चे इससे ज़्यादा ज़्यादा कुछ गेट करें ना, ज़्यादा इनको मतलब ज़्यादा एजुकेटेड हों, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, इसको अच्छी नौकरी मिले और अच्छा जो है इसको इसका तमाम इसकी बेसिक नीड्स जो है वो अच्छे तरीके से फील बात है, बिल्कुल फुलफिल हो, हर कोई यही चाहिए, तो हर कोई चाहता है, हर किसी का दिल चाहता है मेरा बच्चा भी गाड़ी में जाए, मेरा बच्चा बसों में धक्के खाता, मेरा बच्चा रिक्शे में ना जाए, मोटरसाइकिल पे ना आ जाए, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो हमारा माशरा जो है एजुकेट नहीं हो पा रहा हमारे मुल्क के अंदर, क्यों? क्योंकि हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। जैसे ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, मुश्किल से रोटी पूरी करते हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? तो जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इतने सारे लोग 8 लाख 8 से 10 लाख के करीब लोग जो हैं यंगस्टर जो हैं एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो हमारा मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि लोग चले गए। बिल्कुल क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही और उनको नहीं मिल रही, वो नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हमारे मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा पड़ोसी मुल्क देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए। आपसे भी बात करते हैं, दूसरी बहन भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो वैन ड्राइवर आहिनि पिक एंड ड्रॉप कंदियूं आहिनि, त उन्हनि खां बि पुछंदासीं त ही सिलसिलो कीअं स्टार्ट थियो। पहले तो आपको ख़ुश आमदीद, और ये सिलसिला ड्राइविंग का किस तरह स्टार्ट हुआ, आपने पिक एंड ड्रॉप करना कब से स्टार्ट किया? ये पिक एंड ड्रॉप करना तो मैंने 2011 से किया था, जो मेरी ज़रूरत बन गई थी, यानी कि शौक था, मैं अपने बच्चों को खुद स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करूं, लेकिन फिर मेरी ज़रूरत बन गई। सही। तो जिसकी वजह से कि मैं सिंगल हो गई, तो सिंगल होने की वजह से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, और मेरी तालीम भी एजुकेशन भी इतनी नहीं थी, मैं मैट्रिक थी, तो फिर मुझे जो ड्राइविंग जो मेरे हाथ में जो हुनर था, वही बात है जो या तालीम काम देती है या हुनर काम देता है। सही बात है। तो मेरे हाथ में हुनर था ड्राइविंग का, तो गाड़ी उठाई और चल पड़ी। आपको इस मुआशरे ने किस तरह देखा फिर? बात तो ये आती है ना कि आजकल वैसे भी माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां हैं जो ड्राइविंग तो कर ही रही हैं लेकिन बाइक भी चला रही हैं। बाइक भी चला, लेकिन जिनको आज भी मैं ये कह सकती हूँ कि उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते, नहीं देखते जो बाइकर लड़कियां हैं खास करके, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। अब ये नहीं सोचते कि उसकी क्या मजबूरी है कि वो बाइक चला रही है। तो आपने जब ये पिक एंड ड्रॉप वाला सीन स्टार्ट किया, तो आपको इस मुआशरे ने पहली बात तो किस तरह से हार पहनाए, और क्या क्या आपने बातें सुनी, क्या तनकीद हुई? वही क्या आप अभी की बात कर रही हैं ना कि आज जो जो लड़कियां बाइकियां चला रही हैं उनको भी सही नज़र से, तो आप 13 साल पीछे चली जाए, यानी कि 2011 में, उस वक्त जब लोगों के और भी सोच तंग थी, छोटी छोटी सोच थी बिल्कुल, तो उस वक्त मेरे साथ किया क्या होगा और मुझे मेरे लिए क्या बोला होगा, मुझे किस नज़र से देखा होगा, इनके सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। यहाँ तक के मुझे रातों के ऑफ़र भी दिए कि क्यों गाड़ी चला रही हो, आ जाओ हम तुम्हें खुश करते हैं। भाई मुझे खुश होना नहीं है, मैं अपनी मजदूरी में खुश हूँ, मुझे नहीं खुश होना। जिसका जितना ज़र्फ़ होता है वो उतना ही बोलता है। सही बात है। मेरा ज़र्फ़ नहीं है इतना जो मैं तुम्हें जवाब दूँ, मैं जवाब देने की पाबंद भी नहीं हूँ। मैंने यही बोला, मैंने कहा मैं तुम लोग को जवाब देने की मैं गाड़ी मैं चला रही हूँ, मैं रोड पर चल रही हूँ, तुम लोग को क्या तकलीफ़ है? ठीक है। और एक जगह पर ऐसा मोड़ आया कि मुझे किसी ने बोला ज़रूरत क्या है, मैंने कहा ठीक है महीने के 30,000 मेरे घर पर पहुँचा दो, मुझे भी घर में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। हर औरत चाहती है कि मुझे घर का सुख मिले, हर औरत की ख्वाहिश है कि मैं घर पर बैठूँ, बच्चे संभालूँ, खाना बनाऊँ और खुशी से रहूँ। ख़ास तौर पर ड्राइविंग फील्ड तो ऐसी फील्ड है जो मर्दों के लिए भी सही नहीं है, जिसमें गाली सुननी पड़ती है, गाली देनी पड़ती है, बहुत चीज़ें सहनी पड़ती हैं। ड्राइवर हूँ मुझे पता है। तो मैंने कहा 30,000, आप 30,000 को 30 रुपये भी कोई आपको नहीं देगा, 30,000 तो अपनी जगह पर है। उस वक्त तो आटा भी सस्ता था, किसी ने 1 किलो आटा भी नहीं दिया कि ये 1 किलो आटा है आप रख लो, नहीं दिया। ये सिलसिला चलता रहा, यानी कि इस कान से सुने इस कान से निकाले, हार भी पहन लिए फिर उतार के उनको भी पहना दिए। अब वक्त ऐसा आ गया कि अब वो हार वो खुद अपने गले में खुद डाल रहे कि वाकई इसने करके दिखा दिया।
मजदूरी करनी है, ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है, बच्चों को पढ़ाना है, अपनी इज्जत और अपनी लिमिट को देख कर करना है। सही। और उसके चलते चलते फिर 2018 में मैं सोशल वर्क में आ गई। जब उसमें आ गई तो और ज़्यादा बातें भी सुननी पड़ी, लोगों के ताने भी मिले, हर चीज़ मिली, लेकिन बस यही था कि वहाँ उठो, अपनी मंजिल की तरफ जाओ। क्या करोगी, ये लोग ना आपकी खुशी में खुश हैं, ना आपके दुख में कुछ है। सही बात। किसी हाल में भी आप लोगों को खुश करना ही नहीं है, सिर्फ अपने रब को राज़ी करना और अपनी मंजिल की तरफ जाना है। क्योंकि हम लोगों को खुश कर ही नहीं सकते ना, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जान निछावर कर दें, कि आपसे कभी लोग राज़ी नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ अपने रब को राजी आप करो। जैसे ड्राइविंग कर रही हैं तो आप स्कूल के बच्चे हो गए जिस तरह, या टीचर्स हो गए, या फीमेल्स हो गए, कभी कभी तो आपको मतलब मेल्स भी बोलते होंगे कि हमें ड्रॉप कर दें इधर, इस तरह हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मेल्स फिर मैंने करीम में चला ही है गाड़ी। फिर आपको किस तरह ट्रीट किया? मेल्स के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, कि उन्होंने आपको किस तरह ट्रीट किया। 7 महीने मैंने करीम में गाड़ी चलाई है, पिक एंड ड्रॉप में। तो 2-3 मेल्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, आपके साथ आगे बैठेंगे। मैंने कहा आप बैठे हैं, पीछे बैठेंगे तो मैन एंड गुड, नहीं बैठेंगे आप जा सकते हो, कैंसिल कर दो। नहीं, ऐसी कैसी है ड्राइवर हो, आपका हक बनता है, मैं पैसे आपका क्लाइंट हूँ, आप मुझे आगे बिठाओ। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं ड्राइवर हूँ, आपकी पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ, मैं करीम कर रही हूँ, आपको बैठना है पीछे बैठें वरना आप कैंसिल कर दें। मेरे बराबर में बैठने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आप पीछे बैठ जाए, मैं आपको पहुँचा दूंगी, ज़रूरत क्या है वो थोड़ा। कभी आपको डर नहीं लगा कि एक मर्द मेरे साथ बैठा हुआ है, खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई ऐसी चीज़ उसके पास हो, या कभी कोई हरास करे इस तरह, या कोई ऐसी चीज़ वो निकाल के कुछ कर दे? मुझे ऐसा होता है ना, दिमाग में 10,000 बातें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बोला गया, कहते हैं करीम में ये सब सिस्टम होता है। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इस माशरे ने मेरे अंदर से डर ख़त्म कर दिया है, डर नाम की चीज़ मुझसे दूर कर दी है इस माशरे के लोगों ने, मर्दों ने, जो मेरे जो अपनी नज़रों से मुझे हरास करते हैं ना, उनका जो देखना होता है वो खौफ मेरे अंदर से उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया। यानी कि मैं अंदर से बिल्कुल औरत की जैसी लचक मेरे अंदर है ही नहीं। जब कोई मर्द मेरे सामने आता है ना, तो उसके आंखों में आंखें डालकर मर्दों की तरह बात करती हूं। मर्दों की दुनिया है तो मर्द बन के ही घूमना पड़ेगा मेरी बहन, वरना ये जो है ना हमें खा जाएंगे और हम खाने नहीं देंगे इनको, क्योंकि हम जो है ना मतलब हम भी मर्द हैं। हाँ, डर क्या होता है, मुझे सब सवाल करते हैं, ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे ही लोग सवाल करते हो कि तुम्हें। एक मर्तबा मैं बुकिंग लेके गई थी, 11 बजे मुझे कॉल आई कि हमें 7 जाना है, हम 8 मर्द हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 2 बजे हमारा निकलना हुआ, वो लोग बड़े पीछे सारे धाड़े मार के सो गए, मैं ड्राइव करती हूँ, 7 पहुँचा। मैंने एक लात गाड़ी को मारी, मैंने कहा उतरो, 7 पहुँच गया है। सब उतरे गए, ये 2 घंटे के बाद वापस आए, कहते हैं चलो। मैंने कहा चलो, इन्हीं के उनके उनके साथ जो चलना है तो उनके माइंड की तरह ही चलना है। किथे सुठा माण्हू आहिनि त किथे ख़राब आहिनि, वांगुरु बराबरि न हूंदियूं आहिनि। मुआशिरो ही इन जो नालो आहे, त हिन मुआशिरे में किथे सुठा तव्हांखे टकराईंदा, किथे ख़राब तव्हांखे टकराईंदा। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं तव्हां पाण सुठा आहियो, त तव्हांखे उन तरीक़े सां सभिनीनि सां उन तरीक़े सां हलणो पवंदो। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। भली कार कंदासी रंगन भरी शाम में, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे लाइव कॉल करे सघो था। ऐं ॿी ते मुंहिंजी भेण वेठी आहे, जंहिंजो नालो आहे हसीना, जेका चवणु सुठो नथो लॻे, इन करे मां उनखे इहो न चवंदसि। कैसी हैं आप? अलहमदिल्ला ठीकु ठाक। तो ये जो काम आप कर रही हैं, कब से कर रही हैं? मुझे 13 साल हो गए। अच्छा, काम करते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई मासी काम करने जाती है बाजू के पास, जैसे महंगाई बढ़ती है तो उन लोग का फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम भी पेमेंट बढ़ा दें। जब कोई और मासी आती है कम पैसे में, कह रही मैं कर रही हूँ, तो अपनी पुरानी मासी को निकाल देते हैं।
तो ये तो गलत बात है ना। जाहिर बात है, आखिर वो माँ से किस लिए कह रही है कि हमें पैसे बढ़ा के दो पेमेंट हमारी, तो उसकी भी तो मजबूरी है। किराया बढ़ गया है, घर के हालात ऐसे चल रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, शोर लोग हैं, नशा करते हैं, बेटे नहीं है, बेटियाँ हैं किसी की, घर किराए का है, सबके अपने अपने साथ मजबूरी होती है। मुझे एक बात बताओ, अभी आपने भी एक बात बोली कि मर्द हजरात जो है नशे करते हैं, ये सारे मर्द मासिया ये जो काम करते हैं सारे राजकोट में, इनके सबके शोहर नशा ही करते हैं क्यों? ये हुकूमत का फर्ज बनता है ना, जहाँ जहाँ नशा बेच रहे हैं, जो घर के सामान मियाँ लेके बेच रहे हैं, औरतों को मारते हैं, पैसे लेके जाते हैं, तो जहाँ पर ये नशा बिक रहा है तो वहाँ पर इन लोगों का फर्ज बनता है छापा लगाना, चाहे वहाँ पर जाके देखे भाई नशा क्यों बेच, कहाँ से लोग ले रहे हैं, आम सारा आम साम बेच, गलियों में बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान 15 साल के 16 साल के नशा कर रहे हैं, बहनों के पैसे चुरा के लेके जा रहे, माँ के लेके जा रहे, घर से सामान चुरा के लेके जा रहे, बेच रहे नशे के लिए। मैं कहती हूँ मेन चीज़ नशा है, अगर ये नशा ना करे ना तो किसी के शोर बेरोजगार ना हो, फिर भी कुछ शोहर करेगी कुछ बीवी कर लेगी, अब अगर सारी जिम्मेदारी बीवी कैसे उठा सकती घर का। तो आप कितने घरों में काम करती हो? मेरे माशा 4-5 घर है। 4-5 घरों में काम करती हो, और मतलब काफी टाइम से हो या अभी कुछ टाइम हुआ? अभी जो छोटी बेटी हुई थी मेरी नूर, उसके बाद मैं 1 साल के बाद गई हूँ, मतलब अभी मेरे जो पहले के घर थे वो सारे वहाँ पर तो मासियाँ लग गई, अब जो नए घर लगे वो मेरी बाजी है माशाल्लाह, दो अच्छी है मेरे साथ, जो अभी 1 महीना हो रहा है काम कर रही हूँ, उसने मुझे आज क्या क्या काम करवाती हैं आपसे? वो मुझसे सफाई कराती, 4 कमरे, वाशरूम, यानी मतलब 3 घंटे, 3 घंटा, और कपड़े 3 घंटे, कपड़े नहीं सफाई है, और डस्टिंग वगैरह। जी जी। अच्छा, सिर्फ झाड़ू पोछे का काम करवाती है, उसके अलावा ना क्लीनिंग हो गई, ना डस्टिंग हो गई, या दूसरा बर्तन वर्तन ऐसा नहीं? फिर उसके बाद दूसरे घर में जाती हूँ 11 बजे। अच्छा, फिर वहाँ से मैं निकलती 2 बजे। तो आप अपनी जो आपकी बाजियाँ हैं तो आप उनसे मुतमईन हो? हाँ, मेरी अभी जो बाजी है वो मेरे साथ सब अच्छी, लेकिन जो मेरे साथ मासियाँ काम करती है ना, मैं उनको देख के मुझे बहुत दुख होता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं, हम भाजी को कहते हैं कि भाजी हमें थोड़ा पैसे बढ़ा के दे दो, तो कहते हैं बस कल से काम पे नहीं आना, हम और मासी रख देंगे। ये तो गलत बात है। अब वो किस तरह उसका घर चल रहा है, किस तरह वो घर से निकलती है, फिर आप लोग 1 मिनट में उसको निकाल देते हो तो उसका तो पूरा महीना ख़राब हो गया ना। जब जाके उसको काम मिले उससे कितनी परेशानी होगी, घर का किराया वो कहाँ से देगी, बच्चों की फ़ीस कहाँ से देगी, आपने तो उसको निकाल दिया और आपके पास मासी आ गई काम करने, उसका क्या गुनाह था? उसने क्या कहा कि मुझे पैसे बढ़ा के दे दो? पैसे बढ़ाने में क्या करें, 500-1000 बढ़ाने में कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि आप जिस एरिया में काम कर रही हैं वहाँ पे एक काम के कितने पैसे दिए जाते हैं। वहाँ पर एक काम के नहीं, वहाँ पर 1 घंटे का काम का हिसाब है। अच्छा, 1 घंटे में 3 घंटा 4 घंटे तुमने काम किए, 8,000, 9,000, 10,000 इस तरह। अच्छा, अगर जो सिलो मासी तो 4 घंटा लगा देंगे, जो सारे मैं हूँ मैं 3 घंटे में काम कर लेती हूँ फाइनल बाजू का, जो 10 देती कोई बाजी, कोई 11 दे देती है इस तरह। स्पीड लगाई तो अगला भी कम तक करो ना, 4 पैसा बचे ना कमा, और बाजी मुझे 30,000 तक नहीं नेकड़ी कर जी, हूं तो तिन सबर कर मां इतना दिन बस इतना जितना इन मुझे गुंजाइश, तो मौके पे बचे लगा गया था बणो ना, 4 पैसा बचे ना कमाए, वरना इतरो कमाया जो मैं बच्चे की अगला हाथ ना फैलाई। मुझसे मुझे नशा ही हर वक्त पैसा घोरे, तो अब मैंने क्या गुनाह किया मेरे माँ बाप ने जो मुझे शादी करा के दे दिया। अब मैं कहती हूँ कि भाई जिंदगी सबसे मेन चीज़ गंदी क्या है, नशा है। अगर नशा ना करे कोई मर्द ना तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। उन जी अगर मां एकड़ी वजह बुधाया तवा माइंड न कयो तो नशे दी जगह तवा पुछो ता मोस्टली तवा चयो त जेके मेड्स हुंदी उनन जा हस्बैंड नशे छो कंदो सनी आ जी मेन रीजन जेको मां पांजे हिसाब सा चवा थी त उन जी मेन रीजन इहा हुंदी आ त जडे घरन जो औरतूं कमाण निकरंदी हुन त को मर्द जेको आ लेजी थी वेंदा हा ठीक आ ओ मर्द सिर्फ वेहण पसंद कंदा आ उनन के यो हुंदो आ त मुजी घरवारी निकरी करे कमाए ईंदी बच्चा भी पालींदी मुखे भी खाराईंदी इते मां चवंदी आ औरत जो वडो कसूर होंदो ये गाच ऐसा नहीं उते जको ढरी थी वे बिल्कुल दुरुस्त ना भाजी तू कमाए ढरी थी कमाए ना उते तू कमाए जने ता उन जे कंधन ते बार विझंदो त अफकोर्स उन के नशे करन जो टाइम न मिलदो। ऐसा नहीं है, अगर आप रिमोट एरियाज के अंदर देखें तो ऐसा नहीं है, मोस्टली रेशियो यही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है, वो औरतें निकलती ही तब है
जब उनके घर मजबूर हो जाते हैं, मर्द नशों में लगते हैं। अच्छा, मर्द नशा क्यों करते हैं? एक तो इजी अवेलेबल है, अवेलेबल है नशा, इजी अवेलेबल है। दूसरी बात है कि उन एरियाज के अंदर उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, काम मिलता नहीं है, तो वो नशा जो इजी अवेलेबल होता है वो क्या करते हैं कि पहले इनको नशे पे लगाते हैं, फिर इनसे नशा बिकवाते हैं, फिर जब वो नशा बेचते हैं और अपना नशा करने लगते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते, किसी काम के नहीं रहते। फिर ये औरतें घर से बाहर निकलती हैं, और फर्जा पेरियो स्पेशली अगर कराची के अंदर आप मर्द के जो फर्जा मां केड़ा केसेस रिठा है अकेला इलाज कराया मां के जगह थे अस्पताल में दाखिल ना कराची में हमारा तो भाई ये चीज दिए तो चला जाता है गली में नशा बिक जाता। हम नशे के ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एक इशू है, क्योंकि वो हम टॉपिक से हट गए हैं। आज मजदूरों का आलमी दिन है तो हम मजदूरों के ही हुकूक के ऊपर बात करें और नशों के ऊपर बात ना करें क्योंकि वो एक इशू डिफरेंट है। अब मैं बताती हूँ मजदूरों का, देखो हर जो ये जो है मजदूर डे, ये सब आपको छुट्टी मिलती है इस दिन? नहीं मिलती है। अच्छा, अगर बाजी को फोन हम करके बोलते बाजी कल मजदूर डे, कहते मजदूरों का डे आप लोग का नहीं, बोलो मैं कौन हूँ फिर? आप मासी हो। मैंने बाजी को बोलो मासी मजदूर नहीं होती क्या? मजदूर मर्द होता है। कितनी मासियां जाती है तो बाजी कहते देखो ये आ गई मजदूर डे नहीं आप लोग के लिए। सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ी बात ये अगर दो मासियां घर से बाहर नहीं निकले ना तो दो और भी नहीं निकलेगी, दो निकलती अपना नंबर बनाने के लिए बाजी के पास हम तो बाजी आ गए। एक और बात बताओ ईमानदारी से बताना, कभी कहीं जाना हो बाजी छुट्टी नहीं दे रही तो कभी बाजी को फोन करके बोले बाजी तबीयत बड़ी खराब है बुखार हो गया है, क्योंकि होता ही है बाजी कहते हैं ये हर घर की कहानी। बिल्कुल कहते हैं बाजी तबीयत ठीक नहीं है बुखार है, चलो ठीक है कल आ जाना। अच्छा, कल हमारा बुखार सही हो जाता है, कल बुखार सही हो जाता है। मेरी अम्मी हमेशा यही कहती है कल बुखार है उसे और मैं ये भी बोलूंगी कि जेके मासियो आयन वे भी कूड़ ना गलहायन, सच गलहायन, सच गलहायन। जेका मजबूरी आहे तहां पेंजी बाजन जे सामो रखो, इंशाल्लाह ताके मौका मिली वेली। मजदूर लोगों का बुखार जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि मैं खुद भी मजदूर हूं, ड्राइवर भी मजदूर है, क्या करे बुखार होगा। ज्यादा से ज्यादा दो घंटे से तीन घंटे से ज्यादा मैं रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे निकलना है, कमाना है। जब मैं निकलूंगी कमाऊंगी, और अब तो पेट्रोल की वजह से हमारी दिहाड़ी भी बहुत कम लग रही है। सब बाजी में एक जड़ी कोने कोशिश की, हर बाजी में एक जड़ी कोने, हर मासी में एक जड़ी कोने। कुछ मासी एड़ी जो बाजी साथ देती हूँ, कुछ मासी एड़ी जो बाजी से कूड़ गाल तू वो बाजी दिल चाह दो कि सब मासी एक जड़ी एतबार भरोसो खत्म। सब जगह पे लोग एक जैसे नहीं, जैसे और कुछ बाजियों को दर्द होता है, इंसानियत का बोला वो भी इंसान है। मुझे वो गाड़ी चेंज करनी थी अपनी, तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैं बैंक में गई, बैंकों से बात की, लोगों से बात की, तो अब बैंक वाले कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आपकी गारंटी कौन लेगा। मैंने कहा यानी कि मैं एक सिंगल औरत हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, ऑलरेडी मैंने बैंक से एक गाड़ी निकाली और जिसके इंस्टॉलमेंट मैंने बाकायदगी से दिए हैं, ये गारंटी कम नहीं है। और अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होती तो मुझे ज़रूरत क्या थी कि मैं ड्राइवर बनती, कि मैं जो ज़रूरत क्या थी कि मैं वैन लेती गाड़ी चलाती। अगर मेरे पास कोई गवर्नमेंट का बंदा होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत थी कि मैं रोड पर निकलूं। बिल्कुल, ये हम सिंगल औरतों के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा मसला। आप जिस तरह बता रही हैं कि आप सिंगल पेरेंट हैं, तो आप सिंगल मदर हैं, तो आपके ससुराल ने भी आपका साथ नहीं दिया? कभी किसी ने कोई साथ नहीं दिया, 13 साल हो गए मेरे। कभी कुछ पूछा? एक्स हस्बैंड ने के खानदान ने मेरे बच्चे भी नहीं देखे कि बच्चे कहाँ पर पहुँचे, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सीन नहीं है यहाँ तक। अच्छा, ससुराल तो बहुत दूर की बात है, अपना अपना घर अपनी फैमिली भी आपको नहीं पूछती? नहीं पूछती है। आपके अपने बहन भाई आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको नहीं पूछते? सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल बात है। मैं आपको यही कह रही हूँ कि इतने मसले बच्चे क्या आपने अपनी चाह से अपने पास रखे थे? जिम्मेदारी तो हालांकि बाप की बनती है। मैंने अपनी चाह से रखे थे क्योंकि उनका माहौल मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए बच्चों के लिए कस्टडी का केस मैं 5 साल कोर्टों में चक्कर काटी है मैंने, लाड़काना कोर्ट कराची कोर्ट दोनों कोर्ट में। वकील बैठी हुई है, मैं तो आपको यही मशवरा देती हूँ, उस जमाने में अगर आपसे मुलाकात होती लगाओ बच्चों को अपने बाप के सर पे और महीना लो उनसे। वो उन तालीम के खिलाफ थे, वो कहते हैं जरूरी नहीं है बच्चे पढ़े। तो सबसे पहले तो बाप के ऊपर ही केस करना था। आपको बताऊं, मेरे पास एक केस आया था, मैं गई थी मैडम के पास, मैंने कहा कि इनके पास इतने पैसे नहीं है, वो कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट कर दे मेंटेनेंस की। तो आगे जो मैडम बैठी थी उन्होंने मुझे कहा कि मैडम
अगर इनको डकैती करनी पड़े, खून भी करना पड़े ना, तो ये कर लें, लेकिन अपने बच्चे का खर्चा देना है और पूरा पूरा खर्चा देना है, जिसमें एजुकेशन आ गई, उसके खाने पीने का खर्चा आ गया, उसकी ड्रेसिंग आ गई, क्या कुछ नहीं, वो सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कितना वो अर्न कर रहा है, उस हिसाब से बच्चे को तो मेंटेनेंस मिलेगी मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। बच्चों बच्चों का ये केस मैंने किया था, लेकिन वो बंदा भाग गया, कोर्ट में आया ही नहीं, पेशी भी नहीं, कहीं भी भाग जाए आपका सीएनएससी ब्लॉक करवा दे, किसी भी कोने में होगा, उसने गलत दिया था, जो एड्रेस जिस एड्रेस पे वो जाते थे वो वापस पलट के आ जाते थे कोर्ट में, यानी कि ये चक्कर एक साल के मसाइल बहुत होते हैं, एक साल तक चला, फिर मैंने वकील के सामने हाथ जोड़ दिया, मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी दो, मेरी जान छोड़ो, क्योंकि रोज रोजाना मैं तो आ रही हूँ कोर्ट, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, और बच्चों के माइंड एक जैसे नहीं होते, बच्चे के माइंड अलग अलग, और अब ऐसे की मसला मेरा ये आ जाता है कि अगर एज अ सिंगल औरत पेरेंट, एक सिंगल औरत की हैसियत से मैं अगर किसी के पास जाऊँ, ये बिलफर्ज में इनको बोलूं कि आप मेरी हेल्प कर दो, यानी कि हेल्प कर दो, आप मुझे उधार नहीं दो, हेल्प कर दो, अगर इन्होंने मुझे हेल्प की तो कुछ टाइम के बाद ये मुझे वो हेल्प कुछ और जताएंगी आपको, डेफिनेटली ऐसे ही होता है, जताएंगी, और अगर मैं बैंक में जाती हूँ, उनसे हेल्प मांगती हूँ, उनसे लोन मांगती हूँ, तो वो लोग मुझे ये जवाब दे देते हैं कि आपके पास जमानत क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, जो हम आपके हेल्प करें, क्योंकि आपका बैंक जो है वो आपसे मांगता है, या तो आपका हस्बैंड आपका हो, हाँ। या आपका भाई हो, या कोई ना कोई आपका जो है वो एक हो होना चाहिए, और कानून में भी ये नहीं है, वकील के सब मैंने वकील के पास गई, जिससे मेरा केस लाला अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे इस केस से निकाला, उसको मैंने बोला, उसने कहा ऐसा कोई लो नहीं है, सिंगल औरतों के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा यानी कि हम अगर तलाकी याफ्ता हो जाए या बेवा हो जाए, इसमें हमारा कसूर वैसे क्या? इनके लिए लॉज होने चाहिए, इनको शेल्टर देना चाहिए, इनको कोई लॉ नहीं, इनको देना चाहिए वैसे। और एक चीज आपको मैं बताती चलूं, इन्होंने कहा मेंटेनेंस हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी केसेस आए हैं मेंटेनेंस सब में अलाउ होती है, जैसे मैंने आपको ये केस भी बताया कि भाई कुछ भी करें बच्चा आपका है, खर्चा आपको ही देना है, और आपको देना ही पड़ेगा, इवन जो वो माँ है अगर दूसरी शादी कर भी लेती है ना, बच्चा तो आपका ही है, बिल्कुल सही बात, रहेगा भी उसके साथ ही, और आपको खर्चा देना ही पड़ेगा। पर अदी मुखे यो बुधायो त ही जे सरवाइव करे रही आहे, सिंगल मदर आहे, त हिनन जा हक छोको न नदी त यो लॉ छोने ठयो, ये त अगर असन गाले को जे डी जे बारे ते असन गालायो था मजदूरन जे डी, त उनन के केड़ा हक देना वया है, जे डी जे असन ते गाल त कयो, असन सब कठा थया मजदूर यही त लेवा हमारा हक, जे को डी मलायो वया उन में यो ही त आए, इनन के हक न था देना वने, इनन के हक दियारे जगह आहेन, हिनन के कम शेल्टर त दिनो वने, इनन के रोजगार त दिनो वने, इस मुल्क में मजदूर गवर्नमेंट जो कमर, इनन के रोजगार देना वने, इनन के शेल्टर, हन हिन अदा चयो त मा किथा जो आया, किथा का बेचारो सरवाइव करे, तो हले तो घोटकी का आही ते अकेलो रहे, तो हिन जा बार होतिन छा, हिन जो दिल न चवन तो मैं पांजे बच्चन सा गड रहा, सिर्फ छो बेचारो हते रहयो पयो त मुखे कुछ कमाणो आ, उनन ला कुछ करो, वो भी छा तो करण भी न जे बराबर आ, उन जा बार अज भी दिसो तालीम नथा वठी सगन, पैसा कितना 500 पांच भी गुजारो छा तो जे यो गवर्नमेंट के घुरजे त एड़ा नवा लॉज इशू करे, जे में मदर सच्ची वई हु या एड़ा जेके नवा नवा छोकरा यंग वेठा आइन बेरोजगार, उनन के रोजगार देना वणन, ताकि असन जो मुआशरो तरक्की करे, बिल्कुल यईया ये त मुजो हिम्मत वारो भा है, नालो जेड़ो हिम्मत तेड़े हिम्मत वारो भा है, आई मां यो भी बुधवा त ता के गायण जो भी शौक आ है, एक्टिंग वेक्टिंग भी करदा है, तो यो केड़े वक्त करदा है, आवाज उठो आवाज जी, आवाज जी मैडम, मां 12 साल खां जनी गोठ में होना मजदूरी करदा हूं, हते हते मजदूरी हवाई रोजी हुंदी, मां यो सोचु त मां जी तालीम भी वने पई, मां सिंगर बनन चाहा पियो, उओ मुसा तावन नसो थिए, छो जो मां सिंगर जी कोशिश करदम तो पंजा बच्चा कें पारियाँ, उनके कर सिर्फ इन जो इंतखाबात कर गोली जो मैं चो रोजाना अगर 400-500 कमाईदुम, अगर मैं 100-150 खाईदुम, 400 रुपये खड़ी घर में मोकलिंदुम, मैं थोड़ी तालीम जी मतलब एकड़ी लाइन वर्दुम आए सिंगर जो भी टाइम वर्दुम, जी ट्रेन रात जो निकली वन 10 बजे फारिक हूँ, 2 कलाक में उनकी कोशिश कर सिंगर जो भी थोड़ो थोड़ो मतलब पंजा शहर ठाया, पंजा ही गाया, रेलवे ते गाया, पंजी जिंदगी ते गाया, हियर कुछ बुधायो भला असाके सब बुधणे चाहिंदा से, माइक भी ताजे भरसा पयो आ जी, गायो गायो ओ कुल गिरे तो कमायाले जाने, कुल गिरे तो कमाया
रक्षे ते महा नंबर लगाया कर करम जिसवारी विहाया पैसा वठी मुसाफिर खां पत्ते यार कटाया ओ जाने कुल गेर तो कमाया एक सोने सा दिल लगाई उनके भी वही नजर खाई एक सोने सा दिल लगाई उनके भी वही नजर खाई एड़ो वाने जे कैसा लगो तस हाजर हो यार कटाया वो जाने कुल गिर तो कमाया कुल गिर तो कमाया जाने कुल गिर तो कमाया एक दोस्त जी फोन आए उनके भी वही नजर काई एक सोने जी फोन आए उनके भी वही नजर काई कोशिश जे यार मां कया नंबर हुन जो बंद वाहे किए यार गलाया ओ जाने कुल गिर तो कमाया जी मैडम जो मुझो सिंगर बन जो जदी मां सिंगर थियम पे उनी वक्त मुझो जो को यो सिर्फ मोहम्मद बख्श पिताफी जो को हन ससी पुनो जो जा गाना हुआ सिर्फ तो काफ़ी उनका कैसेट हुआ हाँ वो वफात कर वो है जी रिसालपुर का उस्ताद आया मैं उन मुझे पी उन वी वो चाहे मां मजूरी कमाया तो बार तू बदकी ना तो सिंगर तू सीखी वन अगर थोड़ी तो कद तालीम की कोशिश भी कर सिंगर भी सीखी वन माँ के अब वी सत किलोमीटर तकरीबन सफर हो मीरपुर मथेरों में गोठ का वेटा से जी मीरपुर मथेरों बस से वेंदे तो बस वन बुधो तो हि सिंगर आई वो मुख किरा मां जड़ी उन्हें वायम तो मोहम्मद बख्श पिताफी मुख्य मीरपुर मथेलो जी फनकार आ वो मतलब सरेकी फनकार आ जड़ी हुन सा सामू वेठो मां जड़ी हुन जे सामू मु गानो गयो गानो यो गयो त ओ रुक्या बेको हे अज दिलबर घिटी ए नाल नहीं आया करे ओ रो क्या में को हे अज दिलबर गिटे नाल नहीं आया कर अख समय को बल वापस अख समय को बल वापस असुल नामी असाद शहर अला रो क्या में को हे अज दिलबर गिटे नाल नहीं आया कर हिम्मत कोलाची मोर नावे सावल गोठा बिचू यार छोड़ा ही जल एडो विकेट साहब वल नावे सावल गोठा बिचू यार छोड़ा ही जल कुछ भी होवे कुछ भी होवे सच्चा करण सखन महर अला रुक्या में को हे अज दिलबर घिटी नाल नहीं आया करे तहां जे ट्रे कुछ होया पोएट्री हुई हिकड़ी तहां जी ट्रेन हमारे दिन हमारी रात रेल के पटरियों पर अपना राज अगर यहाँ रहना है तो गाड़ी पकड़कर जिंदा भाग मुसाफिरों का हाय हम सहारा यहाँ है कौन हमारा कुली नंबर 18 ये है किस्सा हमारा रेल चलती रहे रेल चलती रहे बारिश बसती रहे दुनिया हंसती रहे दुनिया हंसती रहे कुली का काम करता हूँ रक्षा नड़ी पर नंबर लगाता हूँ कराक्रम की सवारी बिठाता हूँ एक दोस्त से दिल लगाई उसे भी नजर लगी ऐसा केस लगा अभी तक वकील लगा रहा हूँ
अच्छा ये कूली नंबर 18 यो माइक रखी छियो ताके माइक लगेला यो रखी छियो भली अच्छा कूली नंबर 18 जेको आहे यो ता छो पेंजो नालो रखियो 18 नंबर ता जो तो नंबर शायद कोई बयो आहे असा जदी घर वेंदा हो ना असा जो नंबर वापसी में बदल जी वेंदो आहे छो ते एक कूली वेंदो आहे वो वेंदो आहे वरी बयो यूज कंदो आहे एड़े हिसाब सा 450 कूली आहे सही तो मन जी कोशिश मुझी आ है जड़े हिसाब सा मु 18 नंबर के खयो आए जियो न्यूज़ वारन खयो हो इनके तो जियो तेज वारन खयो इनके जदी म जो मशहूर यो प्रोग्राम छो जदी कुली मां कया तो कुली जो कम जदी मु जो नंबर खुलियो के जी अध घंटे का पहला फोन अचे थी 18 नंबर कुली हमारे से मिलो हमारे से मिलो जदी मीडिया वाला अचन था उते असा वट अचन था एंट्री करन था उते कुली बैठा इन 450 तो उते कुली का पुछन था तो तमा सा छा केड़ा मसाइल इन छा मसाइल इन तो कुली चवन था मसाइल सा जा इन लेकिन असा जवाब कोने मतलब के गलाइन सा सगन जदी उए चंदा इन पो केर गलिंदो तमा जा मसाइल केर असा के बुदाइदो जेको असा अलावा नन तई पहुंचायूं अलावा नन तई पहुंचाण वारी सिर्फ मीडिया हुंदी आ तो जदी उए मखे कॉल कंदा इन मा उनन वट हाजिर थींदो आया कदे ता के जिए ए कुली ओ अरणा नंबर ये जदी ता के कोई सड कंदो आ ता जो नालो कोई जकन नथो वठे के खबर भी होजे त नालो हिम्मत आ तो ता के दुख कोन थंदो आ जी बिल्कुल एड़ा स्कैंडल आया है असा उनन के हथ वदी चंदा आयो असा मजदूरी करे रहे आयो असा बोझ खणे रहे आयो असा के यो बोझ खणण जो अगर असा जो कोई एड़ो मसलो ना है अब लेकिन शायद असा जो नालो सही तरीके से खणो भाईवाल भी चई सको था कुली भाई भी चई सको था भाई सिर्फ चई सको था सिर्फ कुली भाई कह सकते हो आप तो उए मदद करन था चवन था असा बे फेरे असा काड़ी गलती थी बे फेरे असा कोशिश कंदा थी कदे ता सा कोई एड़ो हादसो पेश आयो जे कोई अचे तो सामान ता के चाओ था त मा ता जो सामान खणा तो ता जी गाल न ठई हुजे उन सा पैसन ते बदतमीजी कई हुजे उन ता सा हाथा पाई थी हुजे कुछ एड़ो थयो स्कैंडल एड़ा आया जे मतलब ये सामान खणी यास असा अगर मिसाल 200 ते होया सी उनी चो 150 असा जो ठेकेदारी काम आ तो उन्हें अस 200 के हिसाब से मतलब सामान खयोसे उन्हें समझो तो 150 रुपया वो उत 150 दे पो अस 200 चूं पा थोड़ी बेस थे थी वरी भी अस मतलब वरी भी अस ही मतलब बर्दाश्त कर सकूँ हलिया वो ठीक है अच्छा तहां जो जो सिस्टम आहे वो दिहाड़ी वारो जो आहे तो छा ठेकेदार हुंदा हन जेके ताके पे कंदा हन यो सिस्टम की है मखे या भी खबर पई आ त ताके जेके पैसा मिलंदा हन ताके जेका मजदूरी मिलंदी आहे उनमा अद पैसा हु खणंदा हन जी बिल्कुल असो 30% ठेकेदार कम आ मतलब अस जिते कमायूँ था 100 रुपये की सवारी खड़ी वो था तो 30% अस देना पौधा पे असा 700 रुपये महीनों देवणो भी पवो हो जदी मां आयो मीडिया से ऐसा चो हाँ अस मतलब आखिरी दरो ही कूली जो आखिरी दरो आ मतलब समझूँ तर असो आखिरी दरो आको टैक्स वे बजाय तनख्वाह वे बजाय टैक्स दे तो मतलब उनको भी 700 रुपया महीना वठन था मां मतलब मीडिया सा गलाया मां मीडिया जी आला वन ते पोजायो वरी सादर भी साहब आयो उन ऐलान कयो ताने 700 रुपया तमा के माफ है उन यो भी चयो तो तमा जे मुजी कोशिश या हुंदी तमा जे लाए तो तमा जे लाए कुछ पेक जाण्या वरी 2013 को 18 ते मतलब उन बा क्वार्टर उन दिना असा के बा मकान दिना जेके असा रहिश कयूं था वरी सादर भी साहब आयो सादर भी के चयो से यो शेख रशीद साहब आयो तो उत शेख रशीद साहब के मां ही सिर्फ अर्ज कर चो मतलब इतने कुली कमाइन था ठीक है उन्होंने कई मजबूरी थी वजे थी अगर एक ढी उन्हें इतने थो कई मतलब कोई अटैक थे तो बीमार थे तो कोई इन दुनिया में हले वे तो उन अस अगर वनू पाँ घर में अस उतने एक ढी 1500 तो असं को रखा हों जेब में तो असो कड़ो बंदोबस्त आज टिकट के लिए तो वो भी इन गाल में न छिके पे तो टिकट इन फिर क्या वो भी ये छिके पे तो इन खाने जो बंदोबस्त क्या शेख साहब सिर्फ असो खाने बंदोबस्त ना असो बार मतलब बंदोबस्त भी थी वे अड़ो पैकेज जो तो टिकट भी फ्री को हेल्थ कार्ड भी को कोई सहूलत कार्ड कोई राशन कार्ड को सो जो हिं निज़ाम हली रो जो सिस्टम हली रो महंगाई आ हर शैनेज था मतलब आखिरी मतलब किनारे घूमू पा असा चई चई थकी आया हूँ मतलब कि असकी मजबूरी बन जाए अगर मां वट मिसाल की गाल 20,000 जमा हो जाए फैक्ट्री में हल वा अगर उत 18,000-20,000 मुख्य तनख्वाह मिले थी लेकिन इतना भी पैसा ना एकड़ो डी फैक्ट्री में वहाँ फैक्ट्री में तो मतलब महीने का तनख्वाह मिलती ना पे महीना मुझे बार खाए
इन जे करे एंड सारे दसा बी रहया आयो पोते असन जो खचो आए वणण जो लेकिन अगते ते तहां सजो यानी तहां जो को निजाम हले तो सिर्फ कूली वारी जका तहां जॉब कयो ता उनते तो हले पियो उन का अलावा ता कुछ न था कयो पिया बिल्कुल कौन कयूं था इन उन का अलावा जे करे ता दीह जो कूली वारो कम कयो या शाम जो बियो कुछ कम कयो ते ई नथो थी सके बिल्कुल भी नथो थी सके छो जो असा अगर सवारी 10 बजे सुबह जो अची वने उनजी हुंदी कराक्रम ओवा वेंदी 3 बजे अगर 11 बजे अची वने सवारी उनजी हुंदी तेजगाम 6 बजे उनके प्लेटफार्म ते सामान रखनो आ जदी गाडी अचे सीटन ते वेहरणो आ तदी उनखो पैसा असा वठदा तेस ते बाउंड हुंदा है इस ते का सामजा बंदो मतलब उन वटी बुक आयो माशाल्लाह टाइमिंग भी तमा दिसंदा त ट्रेनिंग कदे भी टाइम ते ना है नी हालांकि इनन में माशाल्लाह केडो टैलेंट आ तमा दिसो हेडन मानन के सपोर्ट कयो वने ताके ही मथे अचन बिल्कुल पर असन दे माशरे में इहा शे ना है इहा मानन में अवेयरनेस ना है हिम्मत अली असन जो कूली मैन एडो बेहतरीन आवाज अड़ नंबर आ है हनन जो कराची स्टेशन ते हुंदो आ है ऐ कदे भी ता कराची खां हैदराबाद या कराची खां किथे भी ट्रैवल कयो था या ता के बे शहर मा कराची अचो था त हन भा के याद रखजो पर हन के मा ता के एकड़ी रिक्वेस्ट कर चाहिंदस त हन के हन जे नाले सा सद कजो कुली नंबर 18 न चजो हन के चजो हिम्मत अली सा सा के मिलनो आहे ऐ जरूर हन भा के सपोर्ट कयो जिते हते मुवट जेके भी बहन रु बैठियो इन नन सबनन के सपोर्ट कयो वक्त जो आहे ब्रेक जो जल्दी वापस ता जो भलकार कंदासीं रंगन भरी शाम में जी त असां मजदूरन जो आलमी ॾींहुं हिते सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं सेलिब्रेट छा बल्कि सॼी दुनिया में सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे असां त इन इंतज़ार में हूंदा आहियूं त काई पहिरीं मई अहिड़ी अचे जंहिंखे असां वाकई सेलिब्रेट कयूं जीअं असां ॿिया ॾिहाड़ा सेलिब्रेट कंदा आहियूं ॿियूं मोकलूं जीअं सेलिब्रेट कंदा आहियूं त हीअ जेके मज़दूरनि जो ॾींहुं आहे इनखे प्रॉपर वे में को शायदि अहिड़ो ॾींहुं अचे जंहिंमें असां इन्हनि खे उहे ऑपॉर्चुनिटीज़ ॾियूं ऐं उहे फैसिलिटीज़ ॾियूं त हीअ पंहिंजे घर भातियुनि सां मिली करे ऐं पंहिंजा ॾींहं सेलिब्रेट कनि पर वीचारा अॼु बि मज़दूरी करे रहिया आहिनि ऐं हुक्मरान ऐं वॾा माण्हू अॼु रेस्ट करे रहिया आहिनि हालांकि उन्हनि खे ड्यूटीज़ ते हुजणु खपे ऐं हिननि खे मोकल ते हुजणु खपे पर असां वटि निज़ाम जेको आहे थोरो उल्टो आहे ऐं या तव्हांखे पाण खे बि ख़बर आहे त मज़दूर अॼु बि मज़दूरी कंदो पर हुक्मरान ऐं जेके वॾा माण्हू जेके हूंदा अॼु बि एसी चिल्ड रूम्स में निंड कंदा हूंदा ऐं हिन वक़्तु ताईं सुता ई पिया हूंदा इहे सॼी ज़िंदगी सुता हूंदा सॼी ज़िंदगीअ सुतल हूंदा कॾहिं न उथंदा इहे पंहिंजे ज़मीर खां वीचारा जेके न ख़तमु आहिनि हिननि जो ज़मीर अलाए कॾहिं जाॻंदो असांखे बि नाहे ख़बर सो हिते हींअर मुंहिंजो भाउ जॉइन कयो आहे असांखे जंहिंजो नालो आहे चंदन कुमार हे कैंटीन हैड आहिनि उन खां अलावा अशोक कुमार आहिनि वर्कर आहिनि ऐं सिलाई मशीन हलाईंदा आहिनि फैक्ट्री में ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो चाचा आहे उहो बि कूली मैन आहे ग़ुलाम कादर नालो आहे हिननि जो बि कराची स्टेशन ते हूंदा आहिनि सो हिननि खे बि भलीकार कंदासीं अस्सलाम वालेकुम ठीकु आहियो त बि ठीकु आहे तव्हांजी तव्हां सभिनी में भलीकार करणु चाहींदसि सभिनि खां पहिरियां मां चाचा सां ॻाल्हाइणु चाहींदसि कीअं आहियो ठीकु आहियो त भई ठीकु आहे तव्हांजी तव्हांजो थोरो गलो ख़राब थो लॻे अच्छा कीअं पई तव्हांजी ज़िंदगी गुज़रे कमायूं खायूं न कमायूं त वेठा भुख ते इहा ई ॻाल्हि आहे बचड़ा हिकु पुटु बि आहे उहो कूली करी करे थो अॻिते ताक़त कोन्हे कॾहिं पढ़ाए सघूं या नौकिरी वठाए सघूं इहो 300-400-500-600 कमायूं उहो खायूं तव्हांजी फैमिली किथे आहे ॻोठ आहे ॻोठ कहिड़ो आहे तव्हांजो असां घोटकी अच्छा तव्हां बि घोटकी जई आहियो सही त ॿार उते आहिनि तव्हां हिते आहियो ऐं हिन उमिरि में बि तव्हां एॾो बोझ खणो था खणो था छा मजबूरी आहे तव्हांखे पाण में एतिरी ताक़त महसूसु थिए थी बसि मजबूरी खां खणूं था न कमु न कमु खायूं छा कहिड़ी महांगाई थी वई आहे तव्हांजी उमिरि जो कोई लिहाज़ कंदो आहे त हल हिन खां बोझ नथा खणायो ईअं हिन खे मज़ूरी ॾेई था छॾियो ईअं केरु ॾींदो आहे मज़ूरी ॾींदा ॿिए कमु खणूं सामान मज़ूरी ॾियनि अलाह जा बाना त आहिनि न इलाही आहिनि बि अला वला पिया आहिनि कोई ॾेई वेंदो आहे
कोई अपनी मजदूरी दे दो सामान खड़न की यही अगला असा जो किराया जहाँ भी मकान भी किराए थे आप घोटकी में 8000 रुपया किराया भरन पुट एक कमाण एक माँ कमाण वो पुट किथे उते घोटकी में ही कमाइंदो आ इते टेशन दे ओई भी कोनी इते ही आ त उन जी शादी थेला बार शादी थेला उन जी शादी शादी कराई जाए बारड़ा भी अथस रे बाल था सा क्या करे मजबूरी है मांग गई बहुत डाली है कोई एड़ो हुक्मरान या कोई एड़ो इंसान जेको आयो हुजे तहां वट खास करे तहां कूली भाइरन वट अची तहां खा पुछो हुजई तहां जो हाल पुछो हुजई या तहां सा को वायदो कयो हुजई त हा भई तहां के तहां जा हक मिलंदा तहां जे असा ही कम कंदा सी कने कुछ एड़ो थयो वेदी घणा करे वेदान वदी वेदान वलाइंदे ना यूनियन भी तो होती है हर को चों तो आए कोई तावन ही करे ना तावन कोई ना करे तो तहां जो को इंचार्ज कोने को इंचार्ज हुआ हाथा को रखे तो तू असा जो हेड जो अस वा हिस्सो वो गवर्नमेंट को दे तो वो अस वे तो मैं यो ही तीन के रिक्वेस्ट करना चाहिंदस स्पेशली ही जेके कूली भाईर असाजा अवल तो असें बोझ पान के खड़ घुर्ज या हदीस भी है तो बोझ पान खड़ सीखो उन दुनिया के चो तो बोझ खड़े वे जी असानी मंजिल ती पहुँचाइंदा असा सा गड हूँ असो सामान खड़ा तराए मेहरबानी खास कर चाचा जड़ा बुजुर्ग जी इन बोझ न खणायो पर जैसे तोझ खणायो भी था एकड़ी बैग खणायो ब बैग खणायो उन बोझ न खणायो पर मजदूरी जी थे थी वो इन जो हक प्रॉपर दियो 200 रुपया जैसे तुम दई सको तो बिल्कुल दियो जैसे नथा दई सको 200 रुपया मजदूरी प्रॉपर थे थी तो बराए मेहरबानी जो हक लाजमी दियो वरी तहां रिक्वेस्ट कंदस तो अड़न माण्हुन जी तहांखे मदद लाजमी करणी आ कंदा भी कयो मुखे उम्मीद आ तो अज भी असांजे दुनिया में असांजे मुल्क में असांजे मुआशरे में इंसानियत मौजूद आहे अञा चंगी तरह खत्म नाहे थी अञा वो वक्त परे आ पर अञा थोड़ी घणी जेका इंसानियत आहे उन इंसानियत के जागाइण जो वक्त अची वियो आहे सो असांजो भाभी ते मौजूद आहे तहां कैंटीन हेड आहियो जी जी त कैंटीन हेड जेको हूंदो आहे यानी जेके मानी वग़ैरह जीअं वर्कर्स खे ॾिबी आहे त उहो सभु कुझु कीअं मैनेज कंदा आहियो तव्हां कैंटीन आहे मज़दूर मूं वटि बि पंहिंजा आहिनि तनख़्वाह ते रखियल गारमेंट्स में या किथे मज़दूरी में जिथे माण्हू कमु कंदा आहिनि फ़ोननि ते राब्ते में आहिनि पोइ मानी घुराईंदा आहिनि पार्सल वेंदी आहे टोकरी में मोटरसाइकिल ते रखी करे पोयां पार्सल वेंदी आहे त को अहिड़ा बि मज़दूर मूं ॾिठा आहिनि जेको मानी जेको आहे वीचारा ॾींहं वारी घुराईंदा आहिनि राति वारी खाईंदा न आहिनि छो त अफोर्ड नथा करे सघनि कमाइनि एतिरा त असल में आउं हफ़्तो वठंदो आहियां 1000 रुपया फी माण्हू हुन में ॿ हिकिड़ो सालनि हूंदो आहे चार मानियूं हूंदियूं आहिनि फी माण्हू लाइ त उहो ॾींहं जो मतिलबु मज़दूर घुराईंदा आहिनि राति जो घुराईंदा ई न आहिनि बिल्कुलु हिन करे त ॿ रुपया बचनि त पंहिंजे बचनि जे लाइ कयूं अहिड़ा बि मूं माण्हू ॾिठा आहिनि फैक्ट्री लाइन में बि ॾिठा आहिनि राति जो वरी वीचारा पाणी यानी तव्हां फैक्ट्रीज में ही प्रोवाइड कंदा आहियो मानी त फैक्ट्री पर हेड तव्हां 1000 रुपया था वठो हा त अफोर्ड करे था वञनि बसि नथा कनि महांगाई केतिरी आहे एॾी महांगाई आहे टो हर शइ जो सामान जा रेट चढ़िया पिया आहिनि गवर्नमेंट हर शइ में नज़रअंदाज़ करे वेठी आहे छा था चई सघूं पोइ तव्हां इहो न सोचो त तव्हां जेकॾहिं कंहिं ॿिए माण्हू सां मिली करे फाइनेंशियली थोरो पंहिंजो पाण खे अञा मज़बूत कयो ऐं हुननि माण्हुनि खां जिन खां तव्हां 1000 था वठो उन्हनि खां थोरो अञा घटि वठी करे हुननि खे प्रॉपर मानी मूं वटि अधु अहिड़ा बि माण्हू वेठा आहिनि जंहिंमें आऊं पैसा मतिलबु 1000 हफ़्तो हूंदो आहे न मां 500 रुपया हफ़्तो वेठो आहियां जीअं चाचो बुज़ुर्ग आहे त अहिड़नि माण्हुनि जो आऊं अक्सर करे ख़्यालु कंदो आहियां न वठंदो आहियां बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे इहा त सुठी ॻाल्हि आहे अहिड़ा बि आहिनि जेको कुझु पंहिंजा बि आहिनि कुझु पराया बि हुननि खां बिल्कुलु बि न वठंदो आहियां छो की मूं वटि 450 माण्हू जी मानी सुबुह पकंदी आहे 450 जी मानी शाम जो पकंदी आहे सॼी मानी पार्सल वेंदी आहे त सॼे कराची जी जेके बि फैक्ट्रीज़ आहिनि सभिनीनि में या कुझु मखसूस न्यू कराची टाउन सही जी जी हुन में सिर्फ़ु उते जेके फैक्ट्रीज़ आहिनि अच्छा सही
ऐं मुंहिंजो भाउ हिते वेठो आहे, इहो वर्कर आहे, सिलाई मशीन जो कमु कंदो आहे, त तव्हां जंहिं गारमेंट फैक्ट्री में आहियो त कहिड़े ॿारनि जा कपिड़ा हूंदा आहिनि, वॾनि जा हूंदा आहिनि? ॿारनि जा हूंदा, लेडीज़ लेडीज़ ऐं ॿारनि जा कपिड़ा हूंदा आहिनि, ॿारनि जा हूंदा। अच्छा, पर रेट कोन्हे, 65 पैसा सिलाई आहे, रुपयो बि कोन्हे, 5-10 साल थिया आहिनि, 15 साल उहो ई 60 पैसा सिलाई आहे, अञा ताईं उहो ई पियो हले, उहो ई आहे। पहिरीं गिहु हूंदो 200 रुपया, 250 रुपया किलो, हींअर जीअं 700 रुपया किलो रेट, उहो साॻियो 60 पैसा 65 पैसा, वॾी सिलाई हुजे नंढी सिलाई हुजे रेट कोन थो वधे। महांगाई आहे, पहिरीं होटल ते चांहि कप हूंदो 10 रुपयो, हीअं थी वियो 50 रुपयो कट आहे, सुबुह जो नाश्तो कयूं 100 रुपया हलिया वञनि था, दिहाई थिए थी 800 रुपया 700 रुपया, सुबुह जो 7 बजे वेहूं था, राति जो 1 बजे 2 बजे मशीन ते वेहूं था, वरी सुबुह उथूं था 7 बजे कम ते वेहूं था, दिहाड़ी ठहे कोन थी, 800 रुपया 700 रुपया, हुनमें 400 रुपया असां खाई वेंदा आहियूं, 200 रुपया मानीअ वेंदा आहिनि, 200 रुपया नाश्ते जा चांहि जा वेंदा आहिनि, को महिमान ईंदो आहे दिहाड़ी असांजो हिसाबु बराबरि थी वेंदो आहे, कमाई कोन्हे, पर सेठ रेट खाईंदा, अधु अधु ठेकेदार खाईंदा, कारीगर खे बचे कुझु कोन थो। किरायो पहिरीं हूंदो 200 रुपया, हींअर 1500 में हिते पहुचंदा कराची मीरपुर खां, कमाई कोन्हे, बसि रेट वधे कोन थो, सेठ वधाइनि कोन था, कपिड़े रेट वधी वियो आहे, हर शइ जो रेट वधी वियो आहे, कारीगर रेट कोन थो वधे, उहे 60 पैसा आहे 65 पैसा आहे, मार्केट में हू कुर्ती हलंदी हुई 800, हींअर कुर्ती 3000-4000 वञे थी, असांखे 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया बस। यानी होलसेल जी फैक्ट्री आहे, असांजी नोकल जी आहे? न, अच्छा, फैक्ट्री हूंदी आहे उहो चेन सिस्टम ते हलंदी आहे? न, हीअ फुल आहे, फुल आहे, फुल पीस थींदो, कुर्तियूं ठहींदो ॿारनि जूं, माना हुनजो रेट हूंदो आहे 50 रुपया 60 रुपया, मार्केट में वेंदो आहे उहो 3000 जी 4000 जी फिराक वेंदी आहे, माना हुनजो असांखे 40 रुपया 50 रुपया। असल में जेको खत्री कम्युनिटी जी अक्सरियत आहे उते, उन्हनि जूं फैक्ट्रियूं जाम, असांजे अॻियां सेठ 2 मशीनियुनि जो 100-100 मशीनूं करे छॾियूं, असां साॻे कपिड़े में आहियूं, बिल्डिंग ठाहे छॾियूं, हर साल नई खत्री जेको कमु आहे, हर साल नई बिल्डिंग ठाहे थी, जेको मज़दूर आहे न, खत्री बहुत आहे उते जा उते ई, हर साल गाॾी नई हूंदी आहे, विच में प्रोटेस्ट कयो पर जेको आहे खत्रियुनि थाणे जे अॻियां बि कयो, हज़ारनि जी तादाद मां गारमेंट्स वर्कर निकिता ॿार, त खत्रियुनि चयो त हा असां वधाईंदासीं, कुझु खत्रियुनि त ईअं कयो त मतिलबु जिथे भाउ कमु कंदो आहे त इन जो सेठ हिननि खे चए पियो त बाबा तव्हां छो इतिजाद कयो, तव्हांखे हाणे पेमेंट असां न ॾींदासीं, ईद जो टाइम हो, हाणे तव्हांखे अधु पेमेंट ॾींदासीं, कंहिंखे ॾिनी कोन्हे, मतिलबु हुननि सां अञा वधीक ज़ातियूं थियूं, हुनखे को फ़ाइदो न थियो, त मतिलबु एतिरो ज़ुल्म लॻो पियो आहे हेॾा न्यू कराची। असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त असांखे मशीनूं कोन ॾींदा आहिनि, भई इहे पंचायत घर आहे इसको मशीन ॾींदो, माना असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त असांखे मशीन कोन ॾींदो फैक्ट्री में, यानी तव्हां पंहिंजो हक़ था घुरो, असां माना ॻाल्हाईंदा आहियूं, ॿार नंढा ॿार वठी ईंदा आहियूं, भाई सिखो, घर स्कूल पढ़ण जो टाइम आहे ॿारनि जो, घर परेशानियूं आहिनि, ग़रीब माण्हू बेकू खणंदो लोन, छा कयूं, कमाई कोन्हे, 300-400 बचंदा, हिते बचनि कोन था, हीअ 800 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी आहे, राति जो 2 थी वेंदा आहिनि, 2.5 थी वेंदा, 5000 बेसिकली माना 5000 हफ़्तो ईंदो ई अचे थो, हुनमें 1000 हिकिड़ो मानी जो वेंदो आहे, 4000 रुपियो हिकिड़ो 5000 में त मानी जो हलियो थो वञे, 400-500 जी चांहि नाश्तो वग़ैरह इहे थो थी वञे, अहिड़ा 400-500 रुपया हिननि जो पंहिंजो ज़ाती मतिलबु कपिड़नि जी धुलाई धोबी ते, छो हुते फैमिलियुनि में वेठा आहिनि वीचारा, त हू था हलिया वञनि 500-200 ॿिया था हलनि 2500 हफ़्ते में बचनि था, 2500 हाणे महीने में हुनजा 8000 खां 10000 ते बचनि था, महीने में अगरि घरु वञे त तव्हां 3000 जो अचणु वञणु किरायो, हाणे 10000 में तव्हां 3000 कटो, बाक़ी बचनि 7000, 7000 में हू पंहिंजी फैमिली हलाए, को बीमारी हुनजी घर में थी वञे, को अहिड़ो ॿियो मसइलो थी वञे त या शादियूं हुजनि कंहिं नियाणियुनि जूं ॿाहिरनि जूं त हू वीचारा कीअं अफोर्ड कनि, त हे मसला जेको आहे ॾींहों ॾींहुं वधनि पिया, मतिलबु घटनि नाहिनि पिया। त हींअर तव्हांजा जेके फैक्ट्री मालकान आहिनि तव्हांखे बोनसिस वग़ैरह ईद ते? लोकल में न आहिनि हू, वरी गारमेंट्स कुझु बि न, बिल्कुलु बि न ॾींदा आहिनि, को अहिड़ा सेठ आहिनि मतिलबु देगू वेगू खेरात कंदा त अहिड़े हिसाब सां, उहो बि साल में हिकिड़ो चकर, उहो त डिपार्टमेंट, उहो त हा, बाक़ी हे बोनस वारो सिस्टम न आहे, बोनस वारो सिस्टम वरी गारमेंट्स फैक्ट्री में, जंहिंजो एक्सपोर्ट माल ठहींदो आहे न, आउट ऑफ कंट्री वेंदो आहे माल, उहो ॾींदा आहिनि बोनस वग़ैरह लोकल, हा न हिते लोकल में बि हिकिड़ी फैक्ट्री अहिड़ी आहे, मां ॾिठो मुंहिंजे अॻियां जेको आहे, मूंखे बि 12-13 साल थी विया आहिनि कैंटीन जे कम, त हुन सेठनि खां 12-13 साल खां वास्तो आहे, त अॼु हुननि वटि 8-10 मशीनूं, अॼु हुननि वटि मुंहिंजे हिसाब सां हज़ारनि जी तादाद में मशीनूं पियूं आहिनि, करोड़पति आहिनि, हींअर त ॿई सेठ वियल आहिनि ऑस्ट्रेलिया घुमनि पिया, फेसबुक फ्रेंड आहिनि मुंहिंजा, हा ॿई ऑस्ट्रेलिया घुमनि पिया हींअर ॿई सेठ, ऐं कुझु बि न आहे, कुझु बि न, बिल्कुलु ब्रांडेड सूट हुननि वटि ठहनि था,
सारी कंट्री में एक्सपोर्ट कन था माल ऐसे कारीगर वेचारा उते जा उते बैठा है कुछ देन भी न था ने रेट वधाए पगारों दा वधाए अच्छा कुछ भी न ता कने ये गलाए जी कोशिश कई उनन सा असा ये बीच में गलायो खास मानु उनके कटे छड़ो सेटन डिपार्ट का असा मेन मानु आयो असा मारे चलो आवाम गड कयूं था वो सेठ जब तू जाएगा तो तेरे मशीन नहीं दूंगा तो हर गरीब मानू होदा वने तो पुठिया रोजी वनी चले प्रेशराइज कंदा नहीं इने लाए तो लॉस ठाया वे एंड जेके तमा गाली कयो था उनन लाए आहे मा तमा के शुरू में बुदाई दी ना त हे मानू पाण के अनसेफ समझंदा एन त असा गालाइंदास त असा के पाजा मालिक कडी छडींदा या असा जो सैलरी बंद करे छडींदा त उन लाए लॉस ठाया वे एंड लेबर कोड्स ठयन लेबर लॉस ठाया एन जे में बिल्कुल लिखियो पयो आ त तवा केही भी वर्कर के विदाउट के रीजन विदाउट के काज नथा कडी सगो हाणे पहिरे इ हुंदो तवा उनन के कडी छरींदा हो जॉब्स ता हटाए छरींदा हो लेकिन हाणे इ ना है अगर ता के फील थे तो काते त बाबा हन जो को कसूर आ पहिरे त उन ला इंक्वायरी विहारियो ता उन जो भी टाइम पीरियड हुंदो आ उ विहारे करे अगर उन ते उहा शे साबित थे ती त पो ता उन के कडियो अदरवाइज उ उन ते जुर्म या दोह साबित नथो थे उन जो नथो के दता मसलो है लेबर वट गुंजाइश ही नाए लेबर कोर्ट वने बाहर चंदा कमाल ना होता समझंदा त इन जी भी एकड़ी ही असा विंदा जी बा क्या बार इंदा ठीक है सेठ कडे तो वरी ब्या सिराकी अची वंदा हां सही है असा कडे जडियो वरी सिराकी अची वई रंदा काम कर रहे सेठ के कारीगर मत कारीगर मिले बे असा तो रुली है ना हो जा ही व्याले ब्याचिया चलो सिराकी व्याले तो माजर अचिया ये कोई उनके मतलब चैन हले भाई हो जा हमारा कारोबार बंद नहीं होगा हां असा जो कारोबार कराची में है असा का नाम मालिक होते हैं असा जो कारोबार कराची में है असा माने मुखे भी 20 साल फैक्ट्री लेन में थिया ठीक है मु कराची मुजो घर जो कम कोन है असा घर वांदा वे ना भूख मरदा हूं असा घर विंदा 2 महीने का 3 दिन 4 दिन मुजा पान 3 बार ठीक है औ 2 दिन 3 दिन वरी कराची इंदो है वरी 2 महीना 2.5 महीना घर विंदो है मसलो चाहे अस सेठ नसी माना रोजी है अस ने चिक चिक क्यों भाई अस कम रोजी मिले अस घर हल पंचायत क्यों सेठ निकलो बाहर मसलन के दे नजर में रखे ते कें बी जगह कोशिश न कई कम करण की जैसे इतने एतरा इशूज आन तो इन का बेहतर कें जगह न्यू कराची में हजारों कारखाना सब खतरी सब खतरी बाहर वो खतरी खतरी मिलल अंजुमन ठेला उनन जी उनी माना चैन है खतरी खतरी किरी हो ना असा ग्राउंड 7 नंबर ते खतरी किरी हो कारोबार टटियो तो वरी उनके सभी स्टेट लगे सपोर्ट करी मते जा अंजुमन वाला उनके सपोर्ट करता है बाबा उन गिरे नहीं कारोबार तुम्हारा बढ़ाओ ना असा किरी विंदा जी असा पिनी किराए वटी घर विंदा ही तो सेम यूनियन में भी इशे हो जण कपे यूनिटी हो जे ना असा में ही ना एकड़े के थिनो तो बयो साइड वठी वेंदो ता पेरा पाजो पाण में यूनिटी रखो जने मजदूर कम ही न कंदा त फैक्ट्री हलंदियु की है सही बीच में ही हलंदियु की इन कयो बटे नी खवारी थी थयो कुछ कोने हे फर्स्ट मई असा चौथा मलायो इहो ही पाण में मजदूर निकली यूनिटी कई उनन कम करण बंद करे छड्यो उनन जो असा कम करण ही ना तले त फर्स्ट मई ता के मिली लेबर डे शुरू थयो वा कारखाना देखांदा सी एड़ा कारखाना होते आन तमा का सी या अचो सेठ सेठ जको पैसा खाई ता मन मजदूर जा दे कारखाना इंदा ना मानू के कुटुंब भी दा सेठ बब टे टे लाख मु भी वटरा देना पछु कराए बकायदा इने जो छ को हलाए को सेठ पैसा ने रे मजदूर हाला के हर शय सबूत पयवान बियो पेवा सेठ पैसा न तो दे त ने जो को हल बुदा मजदूर जे लाए अच्छा दूसरे के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनका ये किसी लेटर साइन से नहीं आए फैक्ट्री के अंदर ना वो तो कहते हैं भाई ये ठेकेदार है और इस ठेकेदार ने इससे काम कराना तो ठेकेदार भी जेको ताके हायर करे तो उने सा भी ता जो कोई कॉन्ट्रैक्ट या चा पेपर वर्क कुछ भी ना हो ठेकेदार के वरी पैसा उनके पांचो मफाद आन उनके पाण के 2000 वधिक मिलन पे आ तो उछो वो सेठ ठेकेदार मिलल हुंदा बस ठेकेदार सेठ मिलल वो जे कारी के जाय भले जाय दूसरा आ जाए हां ठेकेदार यही जवाब देगा और फिर इसकी वजह क्या है इसकी वजह पीस पे एक पीस पे उसको 10 रुपए मिल रहे हां ये जाए 1200 पीस उतर रहे तो उसके 10-15,000 बन रहे बैठे बैठे कुर्सी पे घूम फिर गए वो काम कर रहा वो अलग है। ये है कि अगर ठेकेदार अगर कंपनी मालिक ये ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलाएगा तो आपका सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई जो आपका ओल्ड एज बेनिफिट है आज ये 20 साल से काम कर रहे हैं क्या इनका आज तक कोई ओल्ड एज बेनिफिट कार्ड बना नहीं हम खुद जब किराए की जगह पे बैठे हैं इनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना नहीं जबकि ये लॉज भी मौजूद है हमारे पास और हमारे पास इसके इदारे भी मौजूद हैं। अच्छा ये भी मुमकिन है कि ये खुद अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ कराएं अगर ये खुद भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी ब्याह पे जाके तो इनको 20 लाख तक की उन लोगों को देनी पड़ती है हेल्थ फैसिलिटीज़
अच्छा ये अपने लोग वो क्या करते हैं, वो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको वहाँ जब भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनको एक लेटर देना पड़ेगा किसी ना किसी कंपनी का। अब वो कंपनी मालकान तो ओल्ड एज बेनिफिट के उनसे मिले हुए हैं, कहीं भी पांच से ज़्यादा लोग, ये आपका मुल्क कानून है, पांच से ज़्यादा लोग जिस जगह एक साथ बैठकर काम करते हैं वहाँ ओल्ड एज बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटीज़ के लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि वो पांच मुलाजिम तो शो ही नहीं कर रहा ना, उसके परमानेंट मुलाजिम तो दो या तीन है, वो पांच से बढ़ाएगा तो ओल्ड एज बेनिफिट के। आज 20 साल इन्होंने काम किया कि इनकी पेंशन राइट नहीं है, इनकी पेंशन राइट नहीं है, ये सब इनका राइट है, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, मगर ओल्ड एज बेनिफिट में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती खुद बींग अ मज़दूर हमारी ये है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। अब इस मुल अभी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए, जैसे डोमेस्टिक वर्कर का लॉ भी अब मौजूद है, अब होम बेस्ड वर्कर का लॉ भी मौजूद है, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे ना। लेकिन ना कि आप जिस तरह बात कर रही हैं कि लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और हमारा मजदूर, हम खुद, मैं खुद अगर मजदूर हूँ ना, मतलब एक हिसाब से हम काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हमारी है बहुत सारी जगह, हम खुद अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, हम खुद अपने आप को रजिस्टर नहीं लड़ेंगे तो पोइ त गाल ही खत्म थी वही। बिल्कुल वरी मेहरबानी ता सबनन जी जो ता सबनन पे जो कीमती वक्त दिनो आई ता सबनन सा गालियो करे सुठो लगो। पहिरे मा ता का स्टार्ट कंदस त कोई मैसेज देण चाहिंदो न? मां इहो ही मैसेज देण चाहिंदम त जिए अज मजदूरन जो आलमी दी आ त उनन के उनन जा हक दिना वनन ए उनन के इज्जत देनी वनी। बिल्कुल ता मेरा मेन मैसेज तो यही है कि आज जैसे हमारा आलमी दिन है, हम तमाम मज़दूर जब अपना नादरा में CNIC बनाते हैं और अपना पेशा लिखवाते हैं तो हुकूमत को ये बोलना कि जी रजिस्ट्रेशन के लिए मज़दूर खुद आ जाए, ये हमारे साथ एक मजाक है। आपको पता है आपके मुल्क में कितने मज़दूर हैं, तो खुदारा उनको हेल्थ कार्ड, स्पेशली कराची में जितने भी लोग हैं उनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, उनको हेल्थ कार्ड इशू करें, उनको सोशल सिक्योरिटी दें। सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज बेनिफिट ये हर मजदूर का राइट है, हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल सही जी, सेम यही मैं भी कहती हूँ कि मेरे जैसे कितनी भी सिंगल औरतें, एक माँ मैं नहीं हूँ, बहुत सी माँ हैं जिनको ज़रूरत है सपोर्ट की, गवर्नमेंट सपोर्ट की, लोगों की सपोर्ट की, और हम मज़दूरों के, हम यानी कि सिंगल मज़दूर जो सिंगल औरत वुमेन जो मज़दूर है करती है उसकी हर चीज़ की सहूलत की जाए, ये मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। ज़बरदस्त जी भा, तां मैसेज देना चाहिंदा हो कोई? वैसे यही है, असा चाहूंदा असा रेट वधे, सही है, असा रेट वधे, सिलाई रुपयो सिलाई थे, असा टेंशन खत्म कर, या रेट वधे कोन तो मानू कम कयूं पे हालात खराब न जे कर कुछ सही। तां छा चवण चाहिंदा हो? मुझो तो यही मैसेज आ सिंध गवर्नमेंट के अपील था कयूं त मजदूर जी घट में घट 1500 दिहाड़ी होजन खपे जी तो पांजो घर आसानी से हलाए सके। प्राइवेट जो कंपनी जहाँ मालकान है उनसा भी यह रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी करे घट में घट 1500 दिहाड़ी मजदूर जी कयो जी तो पांजो गुजर सफर करी सके। बिल्कुल सही चाचा, ता कुछ चवण चाहिंदा? ये मजदूरी अल्लाह करे मजदूरी मिले, कोई हक मिले गरीबन के, ये अलावा असाई ये बताऊं ता ठीक है। वडी मेहरबानी, वडी मेहरबानी जी व्यूवर्स, आई होप तो जो प्रोग्राम पसंद आयो हुंदू, बस इन ही उम्मीद से तुम तमाम घो ख्याल रखा, मजदूर तबके के इज्जत दिंदा, उन्हें जरूरतों जो ख्याल रखंदे उन हिसाब से उन्हें मजदूरी दिंदा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सुभाने तुम मुलाकात कंदी, तेस तीन प्यार तमाम घो ख्याल रखो, मुख्य RBS की पूरी टीम के दिंदा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।